Assalamualaikum, good morning. कैसे हैं आप लोग? सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद. और सुबह सवेरे पाकिस्तान का आज वीकेंड का पहला प्रोग्राम. हम उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और हम आज आपके लिए बहुत सी जबरदस्त किस्म की चीजें लेकर आए हैं जो आपसे आप शेयर करेंगे आज सुबह सवेरे पाकिस्तान. हमारे पीछे नजर भी आ रही होंगी आपको. आपका आगाज जो है वीकेंड का वो अच्छा हो जाए. कैसा? यस बिल्कुल. बहुत सी मजे मजे की बातें करेंगे लेकिन अच्छी बात जो आज हमने चुनी जिससे हमने आगाज किया वो है हौसला अफजाई करना. मुख्तलिफ किस्म के कामों में मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और इन चैलेंजेस को किस तरीके से फेस करना चाहिए हम सबके लिए जरूरी है कि एक दूसरे के काम पर तनकीद करने की बजाय उनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि सब काम भी आसानी से हो जाए और दिल भी बड़ा हो जाए और वो काम करने का दिल भी करे. क्योंकि यही चीज़ ऑब्जर्व की जाती है कि जिन लोगों की हौसला अफजाई की जाती है वो बेहतरीन नतायज हासिल करते हैं. इसलिए ज़रूरी है कि हौसला अफजाई करने की आदत को फ़रोग दिया जाए ताकि आपके इर्द गिर्द जो लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं वो अपने अपने टैलेंट को अपने काम को आगे बढ़ा सकें. और छोटी छोटी ऐसे इनिशिएटिव होते हैं जो आप किसी की तारीफ़ करते हैं किसी का हौसला बढ़ाते हैं तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी में वो बहुत बड़े बड़े काम और कारनामे बन जाएँ. बिल्कुल. ये तो थी आज की अच्छी बात जिस हमने आगाज किया. अब जहां तक हौसला अफजाई की बात है तो हौसला अफजाई अवाम की तरफ से गवर्नमेंट की भी बहुत की जाती है. एमपीएस एमएनएस वुजरा काबीना रकीन तमाम रहनुमा लेकिन करते क्या है वो. सुहेल भट्टी साहब के पास चलते हैं शहर इक्तदार का रुख करते हैं. भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग क्या खबरें हैं आज की. गुड मॉर्निंग सुहेला साहब. हौसला अफजाई यकीनी तौर पर बहुत अच्छी बात है स्पेशली ऐसे अफराद की जो बहुत बड़े टास्क पर मामूर हों जो माली बहरान से दो चार इदारों को निकालना चाहते हों. अगर आप उनकी हौसला अफजाई नहीं करते तो फिर यकीनी तौर के ऊपर आप मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाते. यहाँ पर जो हम आज पहली स्टोरी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो भी कुछ उसका मामला भी कुछ इसी तरह से है जहाँ पर 475 रुपये माली खसारे से दो चार पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से की जानिब से जारी है और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सनअत पैदावार रज़ाक दाऊद साहब को तीसरी डेडलाइन तीन डेडलाइंस मिल चुकी थी स्टील मिल्स की बहाली के प्लान से मुतलिक और तीसरी डेडलाइन भी गुज़श्ते रोज़ ख़त्म हो चुकी है. लेकिन दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंजीनियर मेमन अब्दुल जब्बार भी एक बहाली के प्लान के ऊपर काम जारी रखे हुए थे और वज़ारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनअत व पैदावार ने पाकिस्तान स्टील मिल्स का दौरा किया वहाँ पर तफसीली ब्रीफिंग हुई और इस मरतबा चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कमेटी के सामने उन्होंने पूरा दिल का हाल बयान कर दिया कि स्टील मिल्स की माली खसारे के वजूहात क्या हैं बहाली प्लान क्यों नहीं बन पा रहा और वजारत सनअत व पैदावार उसके मुशीर और उसके साथ साथ कुछ ब्यूरोक्रेट्स स्टील मिल्स की बहाली के प्लान तैयार करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है और उसके साथ कुछ इतलात ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो कीमती अराजी है उसके ऊपर भी कुछ शख्सियात ने नज़र रखी हुई है. वो ये चाहते हैं कि ये अराजी नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क के हवाले की जाए और पाकिस्तान स्टील मिल्स का बोर्ड और स्पेशली चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस राह में सबसे बड़ी रुकावट थे. जब उन्होंने ये ओपनली ये बात की तो बजाय इसके कि उनकी हौसला अफजाई की जाती उन्हें बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड की जाती कि आप इन रुकावटों को दूर कीजिए और आप बहाली का प्लान मुकम्मल कीजिए लेकिन मुशीर सनअत व पैदावार रज़ाक दाऊद साहब ने वज़ीर आज़म से इंतहाई उजलत के अंदर मंजूरी हासिल करके तमाम ज़वाबतों को बलायताक रखते हुए चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंजीनियर मेमन अब्दुल जब्बार को उनके अहदे से बरतरफ करवा दिया है जो कि SECP के कारपोरेट गवर्नेंस रूल 2013 की भी मुनाफी है. कोई शोकाज नोटिस जारी नहीं किया गया प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया लेकिन उन्होंने वो प्लान एक्सपोज कर दिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टील मिल्स का खसारा कम नहीं हो पा रहा और 12 करोड़ रुपये यौमिया इसके नुकसान इसके खसारे में मुसलसल इजाफा हो रहा है. इसी सूरत हाल के बाद जो कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनअत व पैदावार ने 3 अप्रैल को अपना इजलास तलब कर रखा है. अब देख रही है कि इस कमेटी का बड़ा इम्तिहान है चूंकि उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये डायरेक्शन दी थी कि आप एक प्लान तैयार करके हमारे सामने रखें लेकिन उस जिसने प्लान तैयार करना था उसको ओहदे से हटा दिया. और इंटरेस्टिंग क्या है इंटरेस्टिंग ये है कि जिन साहब साहब ये किस किस्म का प्लान तैयार करके रखे और अब्दुल जब्बार मेमन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये किस अहम शख्सियत के प्लान की राह में रुकावट बन रहे हैं.
देखिए उन्होंने जिस तरीके के साथ सेनेट की कायमा कमेटी को बताया उसके मुताबिक वाजे तौर के ऊपर मुशीर सनत व पैदावार दाग दाऊद साहब और वजारत सनत व पैदावार की ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ कराची के कुछ निजी स्टील के बिजनेस से वाबस्ता अफराद हैं जिनके कुछ जो प्लान थे वो समझते थे कि ये शख्सियत हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। चूँकि एक तो रजाक दाऊद साहब के दोस्तों पर मबनी जो कि हमको पावर कंपनी है एक वो बहाली प्लान तैयार कर रहे हैं, दूसरी जानब रजाक जो अब्दुल जब्बार मेमन साहब थे उन्होंने भी एक प्लान की तैयारी कर ली थी, वो कहते थे कि हमें इसका टेक्निकल ऑडिट करवाना चाहिए लेकिन उसकी मुखालफत की गई। और इस वक्त जो स्टील मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जिस शख्सियत को चेयरमैन अपॉइंट किया गया है उनका नाम रजीउद्दीन रजी है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने की हैसियत से इंडक्ट किए गए थे। नवंबर 2018 में इनको केपीओजीसीएल कंपनी से बरतरफ कर दिया गया था लेकिन अब उनको पाकिस्तान स्टील मिल्स का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। दूसरी जानब अब जब ये मामला तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वक्त बहुत कम है, हमें 12 करोड़ रुपये यौमिया नुकसान का सामना है लेकिन स्टील मिल्स की बहाली के प्लान के हवाले से बहुत ज्यादा इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस मामले को बहुत संजीदगी से देखने की जरूरत है कि कौन से लोग हैं जो बहाली प्लान की राह में रुकावट हैं और जो ट्रू स्पिरिट के अंदर जिन कॉम्पिटेंट रेलिवेंट प्रोफेशनल्स से की जानिब से प्लान की तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है। और अच्छा सोहेल भट्टी साहब जरा जल्दी से ये बता दें, आपने जो टेक्निकल ऑडिट की बात की है क्या वो एक रीजन है जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया उन्होंने मेमन साहब ने, अब्दुल जब्बार मेमन ने, इसलिए उनको हटा दिया गया या फिर वो कौन सी रीजन क्या वजह है ये जिस पे उनकी मुखालफत की गई और उनको हटा दिया गया इस ओहदे से, वो एक्चुअली वो चीज सेक्शन क्या है, निशानदेही कर सकते हैं आप? जी एग्जैक्टली, टेक्निकल ऑडिट भी उसके अंदर शामिल है। दूसरा, पाकिस्तान स्टील मिल्स की अराजी मार्केट से कम रेट के ऊपर नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क के हवाले ना करना, उसके साथ वजारत सनत व पैदावार की ब्यूरोक्रेसी और उनके जो मुशीर बराए सनत व पैदावार रजाक दाऊद साहब हैं उनकी जानिब से जो इसके अंदर मुदाखलत की जाती थी उसकी मुखालफत करना उनको महंगा पड़ा है जिसके नतीजे में उनको उस ओहदे से हटा दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इजलास 4 इजलास मनसूख करवाया गया वजारत सनत व पैदावार की जानिब से, उसके साथ 6-7 माह गुजरने के बावजूद पाकिस्तान स्टील मिल्स का मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया गया। किसी भी इदारे की बहाली के लिए लाजिम है कि उसकी कॉम्पिटेंट जो उसकी मैनेजमेंट है वो परमानेंट यकीनी तौर पर होनी चाहिए। एक वजारत सनत व पैदावार के गैर मुतलका तजर्बे के हामिल सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी बतौर सीओ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट पोस्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो भी एक्टिंग चार्ज पर काम कर रहे हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर तबाह है। उस जब आपका स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है तो आप किस तरीके के साथ एक इफेक्टिव बहाली प्लान तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप फैसला करना होगा। आपने एक तरह से एक बड़ी खबर दी है पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर जिन मसाइल का शिकार है उन मसाइल की निशानदेही की है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अगर मसाइल की निशानदेही हो गई है तो इन मसलों को हल कैसे किया जाएगा। भट्टी साहब, नेक्स्ट खबर क्या है आपके पास? दूसरी खबर हमारी ये है कि गुज़श्ता हफ्ते इक्तिसादी राबता कमेटी का अहम इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर जो मुल्की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाने के हवाले से अहम फैसले किए जाते हैं। इस एक बड़े फोरम के अंदर फोरम में वफाकी वज़रा के मबैन बहुत से इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। गुज़श्ता हफ्ते एक इजलास के अंदर एक बहुत अहम मामला था जो कि एलएनजी टर्मिनल के अंदर मौजूद कैपेसिटी जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जिसके नतीजे में गुज़श्ता साल के दौरान 20 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान पहुँचा। उस कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए एक प्रपोजल वहां पर फ्लोट की गई कि हमें वो टर्मिनल के अंदर सलाहियत जो हम इस्तेमाल नहीं करते जिससे हमारे कौमी मौशियत को नुकसान पहुंचता है हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना चाहिए कि उस कैपेसिटी को यूटिलाइज करे। इस मामले के ऊपर वफाकी वजीर पेट्रोलियम डिवीजन गुलाम सरवर खान साहब ने बहुत ज़्यादा इस मामले की मुखालफत की और उन्होंने तमाम वज़रा जो कि ECC के अंदर शरीक थे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने उन सब से इख्तलाफ किया और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी कि अब ECC के अंदर जो मेरी वजारत से मुतल्लिक फैसले होंगे उसके अंदर मेरी कॉन्सेंट मेरी मुशावरत होना लाजिम है, मेरी रजामंद होना लाजिम है। इससे पहले जो फैसले किए गए अब आवाम की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा लेकिन जब फैसले वज़रा करते हैं ECC के अंदर लेकिन जब तनकीद का सामना करना पड़ता है आवाम को फेस करना पड़ता है तो वो उन्हें करना पड़ता है, यानी कि गुलाम सरवर खान साहब का ये मौकिफ था। उन्होंने कहा कि मुश्किल सूरत हाल है, जो स्पेशली उनका इशारा था गैस की प्राइसिंग से मुतल्लिक कि ECC ने फैसला किया था और बाद में सब लोग पीछे हट गए और उसकी सारी जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ी।
انہوں نے حیران کن طور کے اوپر وہ ایک اہم فیصلہ جو کہ ملکی معیشت کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم ایل این جی ٹرمینل کی جو اضافی کیپیسٹی ہے اس کو یوٹیلائز پرائیویٹ سیکٹر کو استعمال کرنے کی اجازت دے جی. انہوں نے کہا کہ بالکل اس کے حق میں نہیں ہے, پہلے وہ مزید اس کے اوپر کام کریں گے اور گورنمنٹ کو ہی اس کیپیسٹی کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اس حوالے سے لیکن وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کی اس کے ساتھ, لیکن بھٹی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس طرح آپ نے ساری سچویشن بتائی, غلام سرور خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ نے بتایا, لیکن ایکچولی اندرونی کہانی کیا ہے؟ وہ کون سے وزراء ہیں جو کہ ان معاملات میں مداخلت کرتے ہیں؟ کیا ان کو مداخلت کا حق ہے یا نہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اور غلام سرور خان صاحب کو اور کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک وزارت کا معاملہ ہے, وزارت کے اندر تو کسی دوسرے وزیر کو مداخلت کسی صورت یقینی طور پر نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چیئرمین انرجی ٹاسک فورس جن کا کام تھا اصلاحات کے حوالے سے اپنی سفارشات تیار کرنا جی. وہ وزارت توانائی کے اندر بھرپور وہ اس کے اندر مداخلت کرتے ہیں, مختلف کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد جب معاملہ ای سی سی میں آتا ہے تو وہاں پر ایک اوور آل ایک جو سب کی کمبائنڈ وزڈم ہے وہ پرویل کرتی ہے اور باہمی مشاورت کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن اب سرور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 5-6 ماہ کے دوران بہت سے فیصلے ایسے کیے گئے جو کہ ان کی وزارت سے متعلق تھے, لیکن اس کے اندر کلیدی کردار ادا کیا جس کے اندر جو مرضی شامل تھی وہ اسد عمر صاحب کی مرضی شامل تھی. اس کے اندر چیئرمین انرجی ٹاسک فورس ندیم بھابر صاحب کا رول تھا, مخدوم خسرو بختیار صاحب کا رول تھا. وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ماضی گزشتہ 5-6 ماہ کے اندر جو کچھ ہوا سو ہوا, لیکن اب ای سی سی کے اندر بھی جو فیصلہ ہوگا, جو سمری ہوگی, چونکہ وہاں پر ان کی مشاورت ان کی مرضی کے بغیر وہ کوئی منظوری نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو رولز آف بزنس ہے اس کے مطابق متعلقہ وزارت ایک سمری بھجوا سکتی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی میں. وہاں پر جو وزیر خزانہ ہے جو کہ اس کے چیئرمین ہے اور بیشتر وزراء کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد یہ کیبنٹ کا یہ فورم کوئی بھی ملکی اقتصادی صورتحال ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے کے مجاز ہے. لیکن چونکہ سرور خان صاحب کچھ ناراض ہیں, خائف ہیں, اور ان کی پوزیشن گزشتہ 2-3 ماہ کے دوران بہت زیادہ کمپرومائز ہوئی ہے, اس لیے وہ ایکسٹریم پوزیشن لیتے دکھائی دیتے ہیں کہ آئندہ ان کی مرضی کے بغیر اب کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. ایسا نہ ہو کہ سارے فیصلے وزراء کریں اور بعد میں ذمہ داری انہیں لینی پڑے اور انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے اور کوئی انہیں اچیومنٹ بھی نہ ملے. ٹھیک ہے سہیل بھٹی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بہت اہم معاملہ ہے یہ. اور جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ غلام سرور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وزارت میں کوئی اور مداخلت نہ کرے, لیکن پھر اور بھی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا وزیر پٹرولیم جو ہے وہ براہ راست ای سی سی قرضی کے فیصلے کروانے کے لیے ڈکٹیٹ کر سکیں گے یا نہیں. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ وزراء جو مداخلت کرتے ہیں وہ تو مداخلت کر کے سائڈ پر ہو جاتے ہیں, پھر غلام سرور خان صاحب کو ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سہیل بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا, دو اہم خبریں ایکسکلوسیولی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی, اور ابھی کچھ ایکسکلوسیولی ایک اور چیز بھی شیئر کر لیں. بالکل, میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح سے وفاقی وزراء کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ بہت ہی غصے میں ہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو وزراء ہیں ان کے مزاج کا موسم ہے, تو کچھ ملکی موسم کی بھی بات کر لیتے ہیں. گرمی آ رہی ہے اور اس موسم میں جو ہے وہ بڑے بڑے جو جن کے بہت بڑے بڑے باسز ہیں ان کو بچ کے رہنا چاہیے, کیونکہ باس کا مزاج کبھی بھی گرم ہو سکتا ہے اور وہ برس پڑتے ہیں. سردی میں بھی صحیح صحیح کام کرنے چاہیے, کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہو, اور جس طرح ابھی واقعی گرمی آنے والی ہے تو ذرا دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے, ٹھنڈا رہ کے کام کرنا ہے, وزارتیں چلانی ہیں, ویسی بڑی مشکلات ہیں, چیلنجز کتنے ہیں اس گورنمنٹ کے لیے جو فیس کرنے پڑے ہیں, تنقید کتنی ہوتی ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں, موسم کی تھوڑی بات کرتے ہیں, مختلف شہروں کا ٹیمپریچر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے درجہ حرارت. لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 16 اور زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا. بات کرتے ہیں, کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 23 اور زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا. بالکل, لاہور کراچی کے بعد بات کرتے ہیں اسلام آباد کی. اسلام آباد کا درجہ حرارت جو ہے کم سے کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. کراچی کے لوگوں کے لیے ہماری دلی ہمدردیاں ہیں, کیونکہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. تو یہ واقعی گرمیاں آنے سے پہلے اپریل کے مہینے میں اپریل سٹارٹ ہو اور اتنا ٹیمپریچر ہو تو واقعی کراچی کے لوگوں کو تھوڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آنے والے جو مہینے ہیں ان میں مزید گرمی ہوگی. پشاور کی بات کر لیتے ہیں, پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت 17 اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا.
ओके, थोड़ा ठंडे इलाके की बात करते हैं, कोयटा की। कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो ये तो था मौसम का हाल, और हमने इससे पहले मुल्की मौसम की सूरत हाल भी आपको बताई, और फिर बदलते हुए मौसम की बात भी की, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में भी कुछ ऐसे ही मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ जब मौसम बदलता है तो आपको क्या पहनना चाहिए, लॉन में क्या क्या होना चाहिए, ये सब कुछ होगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। मोहसिन पाकिस्तान और माया नाज एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आज 83वीं सालगिरह है। आज 83वीं सालगिरह मना रहे हैं वो अपनी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यकुम अप्रैल 1936 को हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा हुए। पाकिस्तान को दिफाई तौर पर नाकाबिले तस्खीर बनाने में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का कलीदी किरदार किसी भी सूरत झुठलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने 8 साल के इंतहाई कलील अरसे में अंथक मेहनत से कोहोटा एटमी प्लांट कायम करके दुनिया को हैरान कर दिया। आपकी ये अंथक मेहनत के सबब ही आपको बताएं कि मई 1998 में भारत की जानिब से एटमी तजर्बात के बाद इंतहाई कलील वक्त में चागी के मुकाम पर 6 कामयाब एटमी धमाके करके पाकिस्तान आलमी न्यूक्लियर क्लब में शामिल हुआ, और हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को तमगा हिलाल इम्तियाज़ और सबसे बड़े एजाज़ तमगा निशान इम्तियाज से भी नवाज चुकी है। ओके जी, अभी आगे बढ़ते हैं, और पाकिस्तान के मशहूर तरीन कौमी नगमों और फिल्मी गीतों के खालिक मस्टूर अनवर साहब को याद करते हैं, क्योंकि 23वीं बरसी आज उनकी मनाई जा रही है। सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम हमारे जो लेजेंड हैं, जो अब हम में नहीं है, लेकिन उनका काम, उनका आर्ट, उनका फ़न हमारे दरमियान है, और उन्हीं से सीख कर उस फ़न को आगे बढ़ाया जाता है। उन्हीं में से ये एक नाम जिन्हें आज हमने सुबह सवेरे पाकिस्तान में खराज अकीदत पेश किया। आज उनकी 23वीं बरसी है, और डेफिनेट सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम जिनकी बर्थडे होती है उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, जिनकी बरसी होती है, जो हम में नहीं होते हम उनको भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम बहुत डिफरेंट कंटेंट के साथ आते हैं। मैं बहुत तारीफें करती जाऊंगी, आप ब्रेक ले लें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ ऐसा शेयर करते हैं आपके साथ कि आप तारीफ करेंगे। ओके डन, तो हम ब्रेक ले रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। यार तुम बजट में बात करो, मैं लॉन पे बात करता हूँ। ठीक हो गया, तो चूंकि मौसम कोई भी हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि हमने क्या पहनना है, हमें कैसे लगना है, और ख़ासतौर पर जब ख़वातीन बहुत कॉन्शियस होती हैं। अब तो हर इवेंट के अकॉर्डिंग ड्रेसेस होते हैं, लेकिन गर्मियों में के जो पहनावे होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। एक तो गर्मियों में बजट बहुत ज़्यादा लगता है मर्द हजरात का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन के सूट खरीदे जाते हैं। कभी लॉन सस्ती हुआ करती थी, पुराने वक्तों की बात है, अब लॉन ही महंगी हो चुकी है, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा ही है, और ये बड़ी सिलेक्शन होती है कि आपको मौसम गर्मा में क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि अब इतनी भरमार हो चुकी है, डिजाइन बहुत ज्यादा है, फैब्रिक बहुत ज्यादा है, और उसके प्रिंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो समझ नहीं आती कि क्या खरीदा जाए और क्या पहना जाए। और एक चीज और समझ नहीं आती, क्या कि गर्मियों में लॉन ही इतनी फेमस क्यों है, लाइक व्हाई एवरीवन टॉक्स अबाउट लॉन। लट्ठा भी, कॉटन भी, बहुत से और भी कपड़े ना गर्मियों के लिए, लेकिन खवातीन ने बात करनी तो सिर्फ लॉन की करनी है। बिल्कुल, और आज हम अपने देखने वालों का ये मसला हल कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास हमारे मेहमान डिजाइनर्स भी होंगे, और जैसे ही अभी आगाज हुआ ब्रेक के बाद वापस आए तो आपने मॉडल को भी एक बड़ा खूबसूरत सा कुर्ता पहने हुए देखा, लॉन का ड्रेस पहने हुए देखा। तो आज हम बात करेंगे और आपका मसला हल करेंगे कि गर्मियों में आपको किस तरह के जो लॉन प्रिंट्स हैं वो पहनने चाहिए, किस तरह के नहीं पहनने चाहिए, और खासतौर पर मार्केट में इस वक्त क्या इन है और क्या आउट है। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो तारुफ करवा देते हैं डिजाइनर से। आपका इकरा है हमारे साथ।
रमशा हैं और पुरवा महक हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि ट्रेंड्स क्या हैं, क्या इन है, क्या आउट है। और इतनी किस्म की लॉन्स हो चुकी हैं मार्केट में, पहले तो लाइक नाम याद होते थे, उंगलियों पे होते थे, और अब तो हंड्रेड्स ऑफ हैं कि नाम याद नहीं रहते। तो क्या ट्रेंड है ये? देखें, जब गर्मियां शुरू होती हैं ना, तो हम ख़वातीन को ना सबसे ज़्यादा कपड़ों का शौक़ होता है, क्योंकि ये वो सीज़न है जो सबसे ज़्यादा लंबा रहता है हमारे पाकिस्तान में। और अगर हम नॉर्मली देखें तो अब फेस्टिव सीज़न भी हमारे सारे इसी हमारे समर सीज़न में कवर हो रहे हैं, तो इसलिए अब ये कि ख़वातीन में ये रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। और दूसरा जो मैं देख रही हूँ वो ये कि ट्रेंड इतना चेंज होता है हर सीज़न में कि वो ख़वातीन पिछले दफ़ा वाले कपड़े अगले सीज़न में पहनना पसंद नहीं करती। क्यों? तो बस नहीं, हमें बस ज़रा पैसे खर्च कराने का शौक है। तो इकरा, क्या सोच कर डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, और अब जो इतने प्रिंट्स हैं, क्या ये डिमांड ऐसी होती है पहनने वालों की, उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, या डिज़ाइनर की सोच क्या होती है? एक्चुअली डिज़ाइनर बस अपनी सोच से बनाता है, क्योंकि यूजुअली एक ड्रेस हम एक ही जगह पहन के जाते हैं, दोबारा रिपीट तो बिल्कुल नहीं किया जाता हर कोई। और गर्मियाँ इतनी लंबी हैं और इसलिए फैशन डिज़ाइनिंग कपड़े बनाई जाता है। तो ये डिज़ाइन इतने कहाँ से आते हैं? नेट से मिलते हैं, खुद से सोच से आते हैं? नेट से भी आते हैं और सोच से भी आते हैं। नेट पे कौन देता है ये डिज़ाइन? ये तो जरा बताए ना हमें, आप काम होता है, ठीक है, एक डिजाइन से ही हम 100 डिजाइन अक्सर निकाल लेते होते हैं, ठीक है, एक जोक से 100 जोक्स निकल सकते हैं, तो एक डिजाइन से क्यों नहीं 100 डिजाइन। तो आपको कैसे अंदाजा होता है कि ये डिजाइन आपका बहुत बिकने वाला है या बिक जाता है? अब देखिए, हर ह्यूमन नेचर डिफरेंट है, इसी तरह उनकी नीड्स डिफरेंट है, उनकी पसंद डिफरेंट होती है, ठीक है। अब एक डिजाइन है, इन्हें पसंद नहीं आया बट आपको बहुत पसंद आएगा, तो इसलिए हमें पता है कि अगर एक को पसंद नहीं आएगा तो इतनी सारी वुमन है किसी एक। अच्छा, डिजाइन तो मान लेते हैं आपकी बातों के, आई एग्री, लेकिन एक सवाल है मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से। चले मान लिया बहुत डिजाइन्स हैं लॉन के, लेकिन आप लोगों ने इन डिजाइन्स को ख्वातीन के लिए इतना मुश्किल बना दिया है कि वो कभी कोई एक ट्राउजर या दुपट्टा जो किसी 3-4 शर्ट्स के साथ चल सकता था, अब वो भी नहीं रहा। मतलब आपको हर कमीज, वो डिजाइन इतने कॉम्प्लिकेटेड है ना, लाइक उसके साथ शूट क्या करना है, प्रिंट्स के साथ कलर कॉम्बिनेशन। इस चीज में आपको इस पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री को इस तरह देखना चाहिए कि अब हम लोग भी इतने, हमारा विजन इतना वास्ट हो गया है कि हम आपको प्रॉपर एक सूट जो है वो डिलीवर करते हैं, बजाय इसके कि पहले जैसे ख्वातीन सोचती थीं कि ये ट्राउजर उसके साथ भी चल जाएगा, ये दुपट्टा उसके साथ भी चल जाएगा, लेकिन हम डिजाइनर्स ने वो इतना इसको जो है ना आप लोगों के लिए बना दिया बेहतरीन बना दिया। लेकिन ब्रांड्स ने क्या किया कि खाली कुर्ता है तो इतने का है, टू पीस है तो इतने का है, थ्री पीस है तो इतने का है, व्हाइट ट्राउजर्स के साथ भी चल जाते हैं ना, व्हाइट एंड ब्लैक ट्राउजर आजकल भी अक्सर करती हैं ऐसे। ख्वातीन अब ऐसा नहीं है कि हर एक साथ डिफरेंट डिफरेंट होता है, बल्कि डिजाइनर का फोकस क्या होता है, व्हाइट ट्राउजर ज्यादा चलते हैं, जो लॉन आती है और उसके तो अब रेप्लिका भी बहुत ज्यादा आते हैं, समझ नहीं आती ओरिजिनल क्या है। और तो इसमें ये जो बहुत प्रिंट है, और खासतौर पर पहले एक ट्रेंड था कि शिफून के दुपट्टे हैं, कभी वो नेट का दुपट्टा, और इसके अलावा सिल्क का दुपट्टा भी आते हैं। डिजाइनर का फोकस क्या होता है? उनका फोकस यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा वैरायटी दी जाए, ठीक हो गया ना, वैरायटी का होता है। समटाइम्स नेट के दुपट्टे चलते हैं, समटाइम्स शिफॉन के चलते हैं। अभी रिसेंटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ समर में हमारी लॉन चलती है, हमारे विंटर में भी शलवारें कमीजें होती हैं और वो खद्दर पे होती हैं, तो उसमें पलच्छी के दुपट्टे चल रहे थे, ठीक है, पलच्छी के, इट्स काइंड ऑफ नेट एंड वेलवेट का थोड़ा मिक्सर होता है, बहुत मजे का। तो इसी तरह गर्मियों में हमारे पास शिफॉन बहुत सारे ज्यादा आ जाते हैं, या नेट हो जाती है, तो जब हमारे पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जिन्हें पसंद नहीं होते कि शिफॉन के दुपट्टे हैं तो पिनअप करना पड़ता है, तो वो क्या करती हैं, थोड़े से नेट के ले लेती हैं, ठीक है, या जो उसके साथ कॉटन या लॉन का अपना दुपट्टा होता है वो पसंद करती हैं, इसीलिए वैरायटी, जस्ट वैरायटी के लिए। कॉलर है हमारे साथ, उनको भी शामिल करते हैं। जरीना, गुड मॉर्निंग जरीना, कैसी हैं आप? आप शॉप बहुत अच्छा है, जब से शुरू हुआ मैं कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल नहीं मिलती और आज मिल गई है। अरे वाह, मुबारक हो बहुत आपको जरीना, थैंक यू। आज आप मिठाई बांटे। हाँ बिल्कुल, और आप दोनों मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छे लगते हैं, माशाल्लाह। चलिए, आपकी जोड़ी सलामत रखे, थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगी आप लॉन पे? जी हाँ, मैंने कपड़ों की इनकी तारीफ भी कर दी, और इनसे पूछना है कि इनके जोड़ों की प्राइस कितनी है, कितनी, 1500 से 2000 तक है या इससे ज्यादा है? ठीक है, और कुछ आप बता सकती हैं? हाँ जी, मैं चले और कुछ पूछना चाहती हैं आप? बस ये प्राइस क्या, क्योंकि हमें यहाँ मियाँ वाले प्राइसों का बहुत मसला होता है ना, तो हम लोगों ने तो घरों में पहनने और देना, तो हम चाहते हैं कि जरा सस्ते मिले।
ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जरीना, आपने कॉल किया। तो पुरवा, ये वैसे बड़ा उन्होंने अहम मसले की जानने की जो पहले भी जमील बात कर रहे थे कि एक कुर्ते इतने महंगे होते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते लोग, और दिल करता है कि लॉन में आप भी अच्छे डिजाइन पहनो, कपड़े ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा, हमारा जो ब्रांड है लापिस लजूली, उसमें 1550 से स्टार्ट होता है हम लोगों की शर्ट, और वो हम लोगों के बाद में थ्री पीस जो है वो 7-8 thousand तक जाते हैं। हाँ, 1500 से जो है स्टार्ट हो रहा है और फिर वो 7-8 thousand तक जाते हैं थ्री पीस में लॉन। और इसमें फिर शिफॉन के साथ भी हम लोगों की कलेक्शंस हैं, और वो मुझे लगता है हम बाकी ब्रांड से थ्री पीस जो है हम 5000 के अंडर दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बाकी ब्रांड से तो इनको काफी तो सस्ता रहेगा, मुनासिब है। मुनासिब के साथ इनकी लॉन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए एक दो दफा धुलने के बाद लॉन के कलर बहुत डल हो जाते हैं, पता लगता है कि यार पता नहीं कितने सालों से पहन रहे हो, तो बहुत खराब है। क्वालिटी भी बात करते हैं, ये वैसे अच्छा है, लॉन की क्वालिटी क्या है, किस तरह उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, क्या प्रिंट क्वालिटी गिनी जाती है या फैब्रिक क्वालिटी उसमें दोनों गिनी जाती हैं। देखें, अगर प्रिंट अच्छा होगा फैब्रिक अच्छा नहीं होगा, एक दो वॉशेस के बाद फैब्रिक इतना डल हो जाएगा उस पर जो भी प्रिंट होगा अच्छा नहीं लगेगा, फैब्रिक अच्छा होगा प्रिंट अच्छा नहीं होगा अपीलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों चीजें आप अगर एक तराजू में रखें तो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर होती है कि क्वालिटी बहुत अच्छी देती है लेकिन प्रिंट अच्छे नहीं होते, ठीक है। सम के प्रिंट्स बहुत अच्छे होते हैं पर जब फैब्रिक टच करके देखते हैं पता चलता है बहुत रफ हुआ हुआ है और एक दो वॉशेस के बाद खराब हो जाएगा, वहां पैसे जाया करने का फायदा नहीं होता। इनकी लॉन और इनके प्रिंट्स दोनों बहुत मजे के हैं, क्योंकि आगे ट्रेंडिंग में हल्की सी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, बहुत माइनर प्रिंट, ठीक है, पॉजिटिव स्पेस ज्यादा है, तो इन्होंने उस चीज का बहुत ख्याल रखा है कि हर चीज बहुत मजे की हो। तो इकरा, ये जो एम्ब्रॉयडरी की बात करी है रिमशा, ये भी बहुत ज्यादा इन होती है, बहुत खवातीन पसंद करती हैं, और बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका नाम नहीं ले सकते, उनके ज्यादा ट्रेंड यही है कि वो नेक पे, बाजुओं पे या ट्राउजर पे बहुत ज्यादा, तो इसका क्या, इस पे डिजाइनर का क्या फोकस होता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड होता है या आप चाहते हो कि नहीं डिफरेंट चीज देनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू डिमांड भी होता है और डिफरेंट थिंग भी होता है, बहुत आ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा पसंद करते हैं, जितने ज़्यादा पैचेज होंगे इतने ज़्यादा वो लोग लाइक करते हैं, नेक लाइन, बॉर्डर, स्लीव्स, ट्राउजर। ओके, अच्छा, लॉन महंगी क्यों होती जा रही है? मुझे ये लगता है कि आप जितना क्लाइंट को अच्छी चीज़ देते हो ना, तो फिर उस ज़ाहिर है हम लोग भी ब्रांड रन कर रहे हैं, हम लोग जितना अच्छा फैब्रिक लगाएंगे, जितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरीज कराएंगे, जैसे अभी बात कर रही थी ये, तो हमारा ब्रांड वो वाहिद ब्रांड है जो एज़ो फ्री केमिकल्स में काम कर रहा है। ये एज़ो फ्री वो प्रोसेस है जो पूरी दुनिया में बैन है, क्योंकि ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कम क्वान्टिटी में कलर यूज़ होता है लेकिन शार्प कलर आता है। तो लोग ये ऐड कर देते हैं इसके अंदर ताकि कलर कम लगे लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। सही। तो लेकिन इस डिस्कशन की स्टार्ट में एक ही पॉइंट था कि खवातीन एक से दूसरी दफा पहनना पसंद नहीं करती, तो कोई ऐसी चीज मुतारिफ कराए ना मार्केट में कि एक दफा वो इतना सस्ता हो कि लाइक एक ही दफा पहने आप और उसके बाद। मुझे लगता है कि ड्रेस आगे बहन को भी तो चला जाता होता है, आई थिंक हम लड़कियों में चीज बहुत, हम शेयरिंग बहुत करती है, तो वो एक ड्रेस बेशक उन्होंने एक टाइम पहन लिया, उनकी पिक्चर्स में आ गया, अभी मेरी पिक्चर्स तो रहती होंगी। नाज़रीन, आइडियाज, यस, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो रेपिटेशन ना हो तो दूसरी तरफ भी तो रेपिटेशन हो रही होती है ना, तो हाँ एग्जैक्टली वो हम चेंज एक्सचेंज करके। क्या किसी ऐसी चीज पे काम हो रहा है पाकिस्तान में लाइक 200-300 में 400-500 में आपको मैक्सिमम सूट मिले? क्योंकि अब जिस तरह से हम हमारी इकोनॉमी देख रहे हैं ना, अभी आप डॉलर का भी रेट देखें, बाकी चीजों का देखें, किसका रेट देखें, डॉलर का, तो जिस तरह से आपको फैब्रिक मिलेगा, चीजें मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंगली ही चीज डिजाइन होगी। ओके, एक कॉलर भी हमारे साथ, रुबीना है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम रुबीना, कैसी हैं आप और क्या बात करना चाहेंगे? ठीक ठाक हूँ, आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये पता करना है कि ये लॉन हमें हर जगह अवेलेबल हो जाएगी? ओके जी, कराची। और कोई और सवाल है इनका? अभी वो लाइन पर ही हैं तो आप बता सकती हैं। अच्छा, रुबीना नाम था जी। रुबीना, हम लोग जो है वो वर्ल्ड वाइड डिलीवरी करते हैं, हमारी वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाएं और वहाँ जाके आप ऑर्डर प्लेस करें, और आप कराची में हैं तो आपको ज़रूर आपकी पसंद का जोड़ा वहाँ डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया रुबीना, आपने कॉल किया। अब ये आप बता रही थी वेबसाइट है, ये मेरे साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। क्या ऑनलाइन बड़ी खूबसूरत उसकी पिक्चर ड्रेस की और महंगा भी था, और जब मैंने मंगवाया और वो फिर वापस भी नहीं करते, हाँ उनको कॉल करते हैं, जो है उसकी क्वालिटी बिल्कुल जीरो।
लेकिन हम लोगों का ये है कि हमारा एक्सचेंज जो है वो हम लोग ऑफर दे रहे हैं इन लोगों को कि अगर किसी को क्वालिटी में कोई मसला है, जो कि अभी तक हमें कोई कंप्लेन नहीं आई हमारे फैब्रिक की, हमारी एम्ब्रॉयडरीज की, किसी भी चीज़ की, बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं जितने भी हम लोगों ने अभी तक डिलीवर किए हैं हमारे जो है ऑर्डर्स, लेकिन ये कि हम एक्सचेंज ऑफर जो है वो उनको देते हैं कि अगर वो उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, साइज़ भी हम चेंज कर देते हैं, अगर उन्हें कोई ड्रेस में मसला आ रहा है हम उस पर भी उन्हें कहते हैं कि वो कोई और पिक कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसे मॉडल ने आपका ड्रेस पहना हुआ है तो इन्होंने शॉर्ट कुर्ता पहना हुआ है, अभी इस मौसम में अब जो अब स्टार्ट हो गया है तो इसमें क्या शॉर्ट कुर्ताज का है, आपका जो मेकिंग है वो क्या है, लॉन्ग में है शॉर्ट में? अच्छा, अभी तो इस तरह है जैसे अभी पहले वो बता रही थी कि क्लाइंट की डिमांड होती है, तो हम डिजाइनर्स जब काम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सी बात है कि हम ये देखते हैं कि खवातीन में रुझान किस चीज़ का है। अगर अभी मैं ट्रेंड को देखूँ तो दोनों चीज़ें चल रही हैं, शॉर्ट कुर्ताज भी चल रहे हैं, लॉन्ग कुर्ताज भी चल रहे हैं, इसके साथ ट्यूनिक्स बहुत इन है, फ्रॉक्स अब आप देखें वो एकदम से इन हो गए हैं, पेपलम बहुत इन है, और शलवारें आजकल बहुत इन है, थोड़ा अर्सा पहले शलवार का ट्रेंड चला गया था तो अब इन्होंने कम बैक किया है विद द अंगरखा काइंड ऑफ फ्रॉक, तो ये आजकल बहुत इन है। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो ख्वातीन है वो बेस्ड, हमारी क्लाइंट एज क्या बेस्ड है, कि वो कौन सा जो है एज ग्रुप है, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। ऑब्वियसली प्रेट में ख्वातीन लड़कियां ज़रा ज़्यादा प्रेट पहनती हैं, तो हम लोग प्रेट में जो है वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि कट लाइंस में अच्छा जाया जाए, नए ट्रेंड दिए जाएँ, और उसी तरह जो अनस्टिच है उसमें हम फोकस करते हैं हमारी वो ख्वातीन जो 30 अबव हैं। ओके, कॉलर है हमारे साथ एक लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम, नाम है इस की उस्मा है हमारे साथ। उस्मा अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जमील का? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लोन पे बात हो रही है आज? बिल्कुल, लोन के बारे में मैं तो कह रही थी आप लोग ये प्रोग्राम करें, और शुक्र है कि आज ये हो गया इस बारे में। देख लें आपके दिल की बात हमने जज कर ली और आज हमने शो कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये पूछना था इनसे डिजाइनर से कि हम लोग ड्रेसेस लेते हैं चाहे वो 1500 का हो, 2000 को, चाहे 6000 का हो, लेकिन हमें टेलर अच्छा नहीं मिलता। हमसे 600-800 रुपए उसकी सिलाई लेते हैं, लेकिन वो हमारी पसंद के अगर हम कहते हैं कुर्ता स्टाइल में सीखे दें, वो इतना अजीब सी शर्ट बना देते हैं या उनकी बाजू छोटे होते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो इतने डिसहार्ड हुए हैं टेलर से, कोई अच्छा डिजाइनर नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं कम रेट, कम से मुनासिब रेट जो होता है 600 होते सिलाई, इतने में या 700 में इस तरह की कोई डिजाइनर हमें मिल जाए जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमें ड्रेसेस स्टिच करके दे। ओके ठीक है, उसमें आप कुछ और कहना चाहेंगी? बस यही डिजाइनर से उम्मीद है कि यही कुछ करें हम। आपने कॉल किया और ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया है, मैं तो सोच रहा हूँ बल्कि ये भी एक शो करते हैं कि टेलर्स को और उन लोगों को सबको बुलाते हैं, बिठा के पूछते हैं कि भाई क्यों काम खराब कर देते हैं, क्योंकि आप बड़े अच्छे अच्छे पैचेस बनाते हैं उसके डिजाइन के और वो टेलर सीने में उसको सत्यानाश करते हैं। हम फैशन डिजाइनर्स हमेशा पैटर्न पे चलते हैं, लाइक हम फ्री हैंड नहीं करते, यहाँ से अंदाजन काट लिया, अंदाजन कर लिया, हम अंदाजे नहीं रखते, हम ऑन द पॉइंट जो है मेजरमेंट के साथ कटिंग करते हैं और पैटर्न बनाते हैं, तो इसलिए हमारे उसमें कोई मिस्टेक नहीं आती है और वो अच्छा सिलता है। कॉलर है एक हमारे साथ, वकास है? जी हाँ वकास हमारे साथ है, गुजरात से है वकास। अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। किस्मत है कॉल मिल गई आज भी। अरे वाह, एक को भी कॉल की थी। मुबारक हो वकास आपको, बहुत 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 अच्छा लगा, मैं खुश हुई आपने कॉल की। क्या कहना चाहेंगे? जी सर थैंक यू। सर मैंने पूछा था कि मर्दाना लोन किस तरह यानी कि चेक कर सकते हैं कि ये कपड़ा अच्छा है? ओके ठीक है, मर्दाना लोन क्या? मर्दाना कॉटन लॉन, लॉन होती है, मर्दाना लॉन और कॉटन। अच्छा ओके थैंक यू वकास, मुझे लगा शायद ये कह रहे हैं मैं अपनी बीवी के लिए जो शॉपिंग करने जाऊं तो मुझे कैसे पता चले कि ये लॉन या ये फलाना ये वाला कपड़ा जो है ये किस तरह में चेक कर सकूंगा वो। अच्छा ओके, अब तो उन्होंने अपने लिए पूछा। लॉन में भी सेल्फ प्रिंट और प्रिंट आना शुरू हो गया, जैकॉर्ड आ गया, क्वालिटी कैसे चेक की जा सकती है जैसे कि वकास का भी सवाल था और यही हमारा सवाल है, और खासतौर पर फीमेल की ड्रेसेस में भी और मेल की जो लॉन कॉटन होती है तो क्वालिटी, क्योंकि आप खुद भी बात कर रही थी कि एक दफा धोने के बाद कलर फेंट होना शुरू हो जाता है, फैब्रिक खराब हो जाता है, तो क्वालिटी कैसे चेक की जाती है कि ये अच्छी क्वालिटी है? सबसे पहले तो होती है देख के पता चलता है उसकी शाइन कैसी, एक तो होती है फेक शाइन, अगर तो फेक शाइन है इसका मतलब वो प्रोबेबली फेक है, ठीक है, सिंथेटिक है, लॉन सिंथेटिक में नहीं आती है, ठीक है, तो फिर वो लॉन है ही नहीं, वो कोई और फैब्रिक है।
फिर दूसरी चीज़ आ जाती है टच करके, हम उसे फील करते हैं, ठीक है। जब हम उसे फील करते हैं, अगर तो हमारे हाथ में वो बहुत रफ रफ महसूस हो रही है, उसका धागा महसूस हो रहा है, ठीक है, थोड़ी फ्रिक्शन है, इसका मतलब वो लो क्वालिटी की है। बट अगर वो फील करते हुए हमारे हाथ में मुलायम महसूस हो रही है, हमें धागों की इतने रेशे नहीं महसूस हो रहे, इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो जितनी मुलायम है वो उतनी अच्छी है। दूसरा मैं आपको बताऊं, लोगों को ना थोड़ा सा एजुकेट करने की भी ज़रूरत है प्रिंट्स के अकॉर्डिंग। मैं बहुत सी खवातीन को ऐसे देखती हूँ जो ब्रांड उन्होंने पहने होते हैं लेकिन डिज़ाइन ब्लर होता है, तो मैं इनको ज़रूर ये सजेस्ट करूँगी कि कभी भी ब्लर डिज़ाइन ना लें, जो धुंधला होता है, शार्प डिज़ाइन हमेशा लेना चाहिए। और वो हम क्योंकि डिज़ाइनर हैं, हमें पता है वो किस तरह से बनते हैं, उसकी टेक्निक क्या होती है। दूसरा, फैब्रिक को इस तरह से देखें कि प्रिंटिंग जब उसके ऊपर हुई है तो उसमें वाइट लाइंस तो नहीं आ रही। अपना ये चेक करें कि प्रिंट मिस तो नहीं है कहीं पे, जब आप कोई अपने क्वालिटी के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो अगर खुद से इसको देखेंगे तो बहुत जल्दी इनको पता चल जाएगा कि फैब्रिक को किस तरह से हम लोगों ने जो है चेक करना है कि ये अच्छा है, क्वालिटी वाला है या नहीं है। अच्छा, अब जो देखा जाता है, लास्ट सीजन भी यही था कि बहुत प्रिंट था, बहुत ज़्यादा, और अभी भी मेरे ख्याल में जो मैंने एक दो विजिट्स किए हैं, जो नई नई लॉन आ रही है, बहुत प्रिंट है उस पर। तो समटाइम लोग पसंद नहीं करते हैं कि ज़्यादा प्रिंट पहना जाए, तो अब जैसे कि शलवारें इन हो रही हैं तो शलवार के साथ बहुत लाइट प्रिंट का जो कुर्ता होता है वो अच्छा लगता है, तो इसमें डिजाइनर का क्या फोकस होता है? ये भी डिमांड होती है कि हाँ, बहुत डिमांड होना चाहिए? नहीं, ये डिमांड होती है। जैसे मैं अभी आपसे कह रही थी ना कि हमारा एज ग्रुप जरूर देखते हैं कि हमारा एज ग्रुप क्या चाह रहा है, उसी तरह भी जैसे अब स्प्रिंग है ना, तो अब खवातीन चाहेंगी कि ब्राइट कलर्स होए, येलो होए, पिंक होए, इस तरह के कलर्स हों। और जब हम थोड़ा जाएंगे ना ईद वाली साइड पे, देन वो हमसे डिमांड करेंगी बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले, पैचेस वाले कपड़े और वो सारी चीज़ें। फिर जैसे जैसे समर वाइंड अप हो रहा होगा, देन पेस्टल टोन्स, क्योंकि उस टाइम पे बहुत गर्मी होती है तो आप नहीं पहन सकते एम्ब्रॉयडरीज वाले कपड़े, आप नहीं पहन सकते शिफॉन्स और ये सारी चीज़ें, फिर वो कहेंगे प्लेन कुर्ताज हों विद वाइट शलवार और वो। और आप रेगुलर देखेंगे खवातीन को कि उन्होंने मार्केट में चीजें पहनी होती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप हर सीजन ही पर डिजाइन तैयार करते रहते हैं, एक कॉलर ले लेते हैं फिर मैं जवाब देते हैं। शुमाइला है लाहौर से। यस शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के शो की तारीफ करूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कामयाबी और तरक्की दे। और मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रही हूँ कि इनकी जो लॉन है उस ब्रांड का नेम क्या है, और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल कौन से कलर्स इन है, और प्राइस रेंज जरूर बताइएगा। बहुत बहुत अहम सवाल किया आपने शुमाइला, थैंक यू शुमाइला जी। अच्छा, पहले तो ये कि हम लोगों का जो ब्रांड है वो लैपिस लजूली है, और ये एम एम आलम रोड की लैपिस लजूली, ये एम एम आलम रोड पे है, और नाम क्यों रखा आपने? क्योंकि ये रशियन ब्रांड है और लैपिस लजूली बेसिकली रशिया में भी लॉन पहनते हैं। नहीं, लेकिन वो ये ईस्टर्न वेयर है। लैपिस लजूली एक स्टोन है जो बेसिकली यूज होता था ट्रेडिंग में पहले वक्तों में। तो जब अभी यहाँ पे ये ब्रांड आया है तो हम लोगों ने थोड़ा सा लोगो पे और ये इसके नाम पे और बाकी चीज़ों पे काफ़ी वर्किंग की है कि ये अगर उनकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे तो देन इट शुड बी लाइक लैपिस लजूली जो पहले वक्तों में ट्रेडिंग में और इनमें यूज होता है। तो कलर्स वो पूछ रही थी कि क्या कलर मैंने पहननी चाहिए। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही इस सवाल का जवाब ऐसे दिया भी है, लेकिन चलें दोबारा दे देते हैं कि जो अभी इनकी डिमांड है कि ये क्या चाह रही हैं, ये कौन सा कलर पहनना चाह रही हैं, तो अभी स्टार्टिंग पे तो मेरे ख्याल में स्प्रिंग आ रहा है, इन्हें ब्राइट कलर से स्टार्ट करना चाहिए। डिमांड से ज्यादा ना, अगर किसी ने गर्मी है और ब्लैक कलर धूप में पहना हुआ है, ये बहुत डार्क रेड पहना हुआ है, तो ये क्या पहना हुआ है, मतलब पहला ख्याल यही आता है ना। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने पहना हुआ है, इसका मतलब कि ही वॉन्ट्स टू पहनना चाहती हैं वो। तो ये वही बात आ गई कि डिमांड क्या है, तो हम तो एज डिजाइनर हर चीज स्टोर में भर देते हैं, तो वो जिसको जो पसंद है वो खरीदे। इकरा, इकरा, आप बिल्कुल खामोश बैठी हुई, आपके डिजाइन भी खामोश है या बोलते होंगे? मुझे तो लगता है आप हर वक्त डिजाइन सोचती रहती हैं। मुझे आप बताएं कौन से कलर्स पहनने चाहिए जब समर स्टार्ट हो रहे हो, तो कैसे हो, थोड़े वाइब्रेंट हो, वाइब्रेंट हो कलर्स हो, और समर में तो बिल्कुल लाइट कलर्स हो, क्योंकि बहुत गर्मी होती है और गर्मी में तो हम बिल्कुल लाइट कलर्स पहनना चाहते हैं। डार्क में तो लगता है वैसे ही बहुत गर्मी लग रही है, तो समर में हम ज्यादा कोशिश यही होती है कि हम लाइट कलर्स ज्यादा वेयर करें। और जाती गर्मियों में क्या पहने? जाती गर्मियों में कुछ डार्क पहन ले, कुछ लाइट पहन ले, मिक्स पहन। और ईद पे क्या पहने? ईद पे तो कुछ ओकेजन जो होना चाहिए, कुछ फैंसी लुक होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम एम्ब्रॉयडरी ज्यादा यूज करते हैं। और हमें इस शो में क्या पहनना चाहिए, दुआ को क्या पहनना चाहिए? लैपिस लजूली पहन रही हूं। यस,
Congrats. तो रिमशा लास्ट कमेंट कि अब जैसे कि कलर की बात हो रही है आपसे भी वही कि हर डिजाइनर की ज़ाहिरा सोच डिफरेंट होती है, आप क्या सोचते हैं कि गर्मियों में ओवरऑल कैसे कलर्स होने चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए डार्क लाइट? यहाँ पे हम थोड़ी सी कलर थ्योरी पे आ जाते होते हैं एज अ डिजाइनर, ठीक है, क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं, ठीक है, गर्म वार्म कलर्स कूल कलर्स आते हैं, हमारा एक कलर व्हील होता है हम उसमें से चूज करते हैं, जो वार्म कलर्स होते हैं उसे हम सर्दियों के लिए रखते हैं जिसमें रेड ऑरेंज ठीक है ये वाले सारे टोन आ जाती हैं, उसके बाद ब्लूज की जो टोन हैं वो हमारी कूल कलर्स में आती हैं। तो अभी वो पूछ रही थी कि कौन सा कलर इन है, तो ब्लूज पर्पल्स एंड आई थिंक सो ये वाले कलर्स मोस्टली येलो लाइक कूल कलर्स में से चूज करें। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच इकरा, रमशा एंड पुरवा महक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने की, खवातीन को यकीनन ये बड़ी अच्छी लगी होंगी ये बातें, क्योंकि जो सवा यस मॉडल का नाम जो है ना वो है जी अलिसिया ओके शी इज बेसिकली रशियन, और इसी लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं इस ड्रेस में, इस लॉन का ये जो स्टाइल है ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, बट डू यू एंजॉय वेयरिंग लॉन हियर इन पाकिस्तान? रशिया में लॉन पहनते हैं? ओके, थैंक यू सो मच गेस्ट का बहुत शुक्रिया, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे थोड़ी आर्ट की। बिल्कुल, जिस तरह आज कपड़ों के रंगों की हमने बात की, अब हम तस्वीरों के रंगों की बात करें, क्योंकि अक्सर हमने सुना है तस्वीरें बोलती हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि वाकई तस्वीरें बोलती हैं, ऐसा है या नहीं, लेकिन ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अब हम बात करेंगे थोड़ी फन की, आर्ट की, फन खताती या फन मुसव्वरी हो या फिर इस फन में बहुत सी पेंटिंग्स भी होती हैं, लेट सपोज जिस तरह हम बात करते हैं आइडियाज की, कैनवस पे कुछ तस्वीरें उतार दी जाती हैं इन आर्टिस्ट की जानिब से, और बहुत सी ऐसी कुछ स्कल्पचर होते हैं, कुछ ऐसी पेंटिंग्स होती हैं, कुछ आर्ट होता है जिसमें ट्रक आर्ट भी होता है, लाइक हम चाह रहे हैं कि इन सारी बातों को आज कवर किया जाए हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग लोग मौजूद हैं, क्योंकि देखने वाले ये सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाते हैं कि यार हाओ कैसे करते हैं आप लोग ये, तो तारुफ़ मैं नहीं करवाता, इन सब से बात करते हैं, ये खुद अपना तारुफ़ करवाएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, आपका नाम? मुदस्सिर शबीर। क्या करते हैं आप? मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओके, करते क्या हैं? मैं हम डिज़ाइन करते हैं, पहले फर्स्ट पेंटिंग और डिज़ाइन, जैसे कि आप ले लें कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आप उसे पहले कलर्स पैलेट्स कलर व्हील्स बनाते हैं, हम उसके बाद उसे डिज़ाइन करने के बाद कंपोज करते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं, मोटिव्स वगैरह, जैसे आप टेक्सटाइल के जैसे ये इन्होंने सूट पहना हुआ है, ठीक है, इस पर जो से मोटिव्स हैं ये पहले हम इसकी कंपोजिशन बनाते हैं, उसके बाद आप उसे डिजिटल में ले जाते हैं, डिजिटल जैसे कि इसका कंपोजिशन हाथ से बनाते हैं? जी हाथ से। ओके, उसके बाद फिर हम उसे फोटोशॉप में ले जाते हैं, फोटोशॉप से जो से डिजिटल प्रिंट्स होते हैं, वैसे तो टेक्निक्स बहुत हैं, क्रोशिया है, निटिंग है, तो ये मोटिव्स और स्केचिंग जो आप बात कर रहे हैं डिजाइन की, तो ये कोई स्केच होता है आपके पास या आपका अपना आइडिया होता है जिसको आप? नहीं नहीं, ये इंटरनेट से मोटिव्स लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसे क्रिएट करते हैं ट्रेसिंग करके, उसके बाद फिर हम कंपोजिशन बनाते हैं, उसमें कलर्स करते हैं, उसे आप वैसे भी स्कैन करके आप उसे कपड़े पे ला सकते हैं। बहुत इंटरेस्ट से लगता है मुझे आप काम करते हैं, ग्लासेस लगी हुई आपको, दिन रात काम करते रहते हैं आप? नहीं नहीं यार, कहते हो शौक तो है। ओके ओके जी, ऐसे ही कुछ शौकीन लोग हमारी लेफ्ट साइड पर भी मौजूद हैं, अपने अपने काम में लगे हैं, तो इनसे थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले कौन बात करेगा, माइक है आपके पास? जी। ओके, आपका नाम? शेख नूर। ओके, ये पहले भी आ चुके हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान के मेहमान बन चुके हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज है। आज क्या बना रहे हैं आप? आज मैं डिजाइन बना रहा हूँ। डिजाइन? डिजाइन किस चीज का? जो होते हैं पॉप आर्ट होता है, मैं आज सोच रहा हूँ पॉप आर्ट ही बना दूँ, डिजाइन ही बना दूँ। कौन सा आर्ट? पॉप आर्ट। पॉप आर्ट, इसमें क्या होता है? इसमें ये होते हैं जो मतलब शौकिंग कलर वगैरह सारा कुछ होते हैं, वही चीज ये सारा कुछ होते हैं। ओके, तो चले आप बनाए, आपके साथ कौन है बात करवाए? साथ हैं मेरे
السلام علیکم, میں کنجا ہوں. وعلیکم السلام, میرا نام کنجا ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو کیا بنا رہی ہیں کنجا؟ میں لینڈسکیپ کر رہی ہوں پیسٹلز میں. لینڈسکیپ؟ یس. کیا ہوتا ہے یہ لینڈسکیپ؟ قدرتی مناظر. قدرتی مناظر کو کہتے ہیں جی لینڈسکیپ. اوکے, بنائیں گی کس چیز سے؟ کیا پینٹنگ؟ اس میں میں پیسٹلز یوز کر رہی ہوں اور شیٹ پہ کام کروں گی اور سن سیٹ بناؤں گی. صحیح. تو اس کا شوق تھا آپ کو کنجا, کہاں سے آپ کو آئیڈیا آیا یا آپ نے دیکھا اور امپریس ہوئی کسی پینٹر سے, کسی آرٹسٹ سے؟ امپریس میں اپنی میم سے ہوں, وہ بھی پیسٹلز میں کام کرتی ہیں لینڈسکیپ میں, تو میں انہیں سے امپریس ہوں اور کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنا تھیسس بھی اسی میں ڈسپلے کروں. یہ تھوڑا بنا کے دکھائیں ہمیں کس طرح ہوگا یہ. مائک کا آپ آگے بے شک پاس ان کر دیں. السلام علیکم, میں سائمہ ہوں اور میں پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں بنا رہی ہوں آپ کا لائف فگر بنا رہی ہوں پینسل میں. ہم دونوں کا؟ نہیں نہیں, صرف آپ کا بنا رہی ہوں. صرف میرا؟ اوکے. اسکیچ؟ جی اسکیچ بنا رہی ہوں. کیا بات ہے, گریٹ. تو سائمہ بہت امپورٹنٹ کام کرنے جا رہی ہے, تو آپ ان کو دیکھیں گی یا ان کو دیکھ کے بناؤں گی؟ خود سے امیجن کر کے یا مجھے یوں کر کے بیٹھنا پڑے گا؟ آپ کو تھوڑا اسٹارٹ میں بیٹھنا پڑے گا, بعد میں اپنی امیجنیشن سے کر لوں گی. اوکے. وہ بھائی ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی میجرمنٹ کر رہے ہیں آپ. ہاں میں اسکیچنگ وغیرہ کر رہا ہوں, اسکیچنگ کر رہا ہوں. میرا نام انعام الہی ہے اور میں ٹرک آرٹسٹ ہوں. تو ٹرک آرٹ کے جو موٹیوس ہیں اس میں میں یہ کلر فل پیرٹ ہے اس کی میں اسکیچنگ وغیرہ کروں. آج کل تو ٹرک بہت سجے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو کتنے دنوں میں ایک ٹرک سجا لیتے ہیں؟ ایک ٹرک تقریباً اس پہ ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ لگتا ہے. پوری مطلب ٹیم ورک ہوتا ہے. اور یہ جو اس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں ہارن دو راستہ لو, ہاں جی وہ مطلب کہ ٹرک آرٹ میں کچھ مطلب کہ پوئٹری, فنی پوئٹری ہوتی ہے, کچھ فنی کوٹس ہوتے ہیں. وہ بھی لکھتے ہیں آپ؟ وہ بھی لکھتا ہوں. اور صرف لکھتے ہیں یا خود بناتے بھی ہیں؟ بناتے بھی ہیں. ذرا سنائیں کچھ. ہاں جی, مطلب یہ کہ چار سنانے آپ نے, چار صحیح ہے. سنائیں. فاصلہ رکھیں ورنہ پیار ہو جائے گا. اوکے, مطلب کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اوکے, بالکل صحیح ہے. اور یہ ہے کہ میرے پیچھے آمی ذرا سوچ کے. میرے پیچھے؟ اچھا, میرے پیچھے آمی ذرا سوچ کے. سوچ کے بس اتنا ہی ہے, آگے نہیں ہے کچھ؟ نہیں آگے نہیں. اور پھر یہ کہ نصیب اپنا اپنا. ہاں. پھر یہ کہ میری گاڑی ہے اڑن کھٹولا. ہاں, میری گاڑی ہے اڑن کھٹولا. اڑن کھٹولا, اور یعنی کہ یہ اپنے جو گاڑی ہوتی ہے, ٹرک ہوتی ہے نا, جو ٹرک ڈرائیور ہوتا ہے یا ٹرک اونر ہوتا ہے, وہ اسے ٹرک کو جو ہے نا ایک فیمیل مطلب کہ شہزادی کی طرح وہ سجاتے ہیں, ڈیکور کرتے ہیں. اچھا, یعنی کہ اسے وہ مذکر فارم میں نہیں یوز کرتے. سب سے زیادہ کیا لکھوانے کی ڈیمانڈ آتی ہے؟ جی یہ لکھوانا ہے میں نے. زیادہ یہ ہے کہ مطلب کہ ہارن آہستہ بجائیں. یا ہارن دے راستہ لے. ایکچولی جب میں ٹریول کرتی ہوں تو مجھے بڑا شوق ہوتا ہے جو پیچھے لکھا ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا, تو اور بڑی مزے کی چیز ہے. ایک پاس کر یا برداشت کر. پاس کر یا تو اوورٹیک کر کے گزر جائیں, یا پھر یہ کہ تھوڑا ویٹ کریں. جلنے والے کا منہ کالا. جلنے والے کا منہ کالا. جس نے ماں کو ستایا اس نے رکشا چلایا. اس نے رکشا چلایا, ٹرک چلایا, اس قسم کے ہوتے ہیں. اوکے, جس نے اور جس نے باپ کو ستایا اس نے ٹرک چلایا. اس نے ٹرک چلایا, یہ بھی صحیح ہے. اوکے, مجھے یہ بتائیں, یہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کا ایک ایسا آرٹ ہے جو پوری دنیا میں بکتا ہے. بالکل. یو کے میں بہت سی بسز ہیں ایسی جو کہ اسپیشلی ڈیزائن کی گئی ہیں, نہ صرف ایکسٹیریئرلی, اس کا انٹیریئر بھی پورا ٹرک والا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایسا آرٹ ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے. ہمارے جرمن امبیسیڈر ہیں پاکستان میں, مجھے اب یاد آ رہی ہے اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں, انہوں نے اپنی گاڑی فاکس ویگن, فاکسی تھی پرانی گاڑی 80s کی, اس پوری کو اس آرٹ سے سجوایا انہوں نے. اچھا, بہت سے لوگ سائیکل پر بھی کرواتے ہیں یہ. ہاں جی, سائیکل پر بھی کرواتے ہیں, اپنی گاڑیوں پہ, کارز وغیرہ پہ کرواتے ہیں, اور اس سے جو بڑی گاڑیاں ان پہ کرواتے ہیں. تو ہماری گاڑی پر آپ کر دیں گے ڈیزائن؟ بالکل کر. بلیک ہے گاڑی؟ بلیک. بلیک اوپر ہو جائے گا, کوئی مسئلہ. بلیک پہ بھی ہو جائے گا. لکھوانا کیا؟ لکھوانا, لکھیں گے کیا؟ آپشن آپ دیں ہمیں کہ ہم کیا لیے, جیسے ابھی راستہ دے, ہارن دے, راستہ دے, پیچھے ہم بمپر پہ لگاتے, دیکھتے رہیے صبح سویرے پاکستان. ہاں, گڈ آئیڈیا. ویسے نائس آئیڈیا نا. کالر ہے ہمارے ساتھ, یہ بھی آ سکتا ہے. اور پھر یہ آ سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے اتھری شہزادی. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ, کیا بات کرنا چاہیں گی؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی جی عائشہ. وعلیکم السلام عائشہ, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ مجھے شو کی تعریف کرنی ہے.
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तान बहुत अच्छा शो है, हम लोग बहुत शुक्रिया। क्या अच्छा लगता है आपको हमारे शो में सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा तो आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसीलिए मेरा ख्याल हम लोग आपका शो भी देखते हैं, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव होता है। लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ है, आप लोगों से शिकायत है। क्या शिकायत भी आप बता दें हमें। शिकायत में बस ये है कि बहुत अच्छी सी आपने आज वो लोहन के हमें ड्रेस दिखाए हैं, लेकिन हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं रखा। आपके लिए बहुत गिफ्ट्स हैं आयशा, जल्दी बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी होंगे। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं और तारीफों के लिए। तो देखें सबसे पहले पाकिस्तान के देखने वाले जो हैं वो बड़ा, उनको हम दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, उनको हम दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, हमारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, टॉपिक्स बहुत अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो क्या बोल रहे थे कि आपकी गाड़ी के पीछे, हमारी गाड़ी के पीछे क्या होना चाहिए? अथरी शहजादी। हाँ अच्छा, और क्या जी? और क्या होना चाहिए? और हो सकता है कि चल पगली साजन के देश, चल पगली साजन के देश। मेरी बात सुने। अच्छा, हमने कोई पिशावर से थोड़ी आना होता, हम तो ये साथ ही आते हैं। कोई लॉरी फिकरा है ज़हन में? लोर लोर आ सकता है। ओके, अच्छा कलर कॉम्बिनेशंस पे किस तरह आप काम करते हैं? क्या बेस कलर को देख के उस आर्ट को डिजाइन करते हैं, या फिर बेस कलर को अपनी मर्जी से चेंज करके जो ज़हन में स्केच होता है वो बना देते हैं? नहीं, असल में कुछ गाड़ियों का मतलब क्या ना, जो ट्रक ओनर हैं या ट्रक ड्राइवर है वो डिमांड करते हैं कि ये हमारी गाड़ी को आपने येलो बेस करनी है, तो येलो बेस को देखते हैं उस पर जो भी कंट्रास्ट कलर होते हैं वो हम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये हमारी गाड़ी को आप ब्लू में करें, कुछ कहते हैं ग्रीन में करें, तो उसके मुताबिक ही वो फिर हम कलर जो उनसे है ना वो सिलेक्ट करते हैं। तो इस आर्ट के साथ शीशे का काम भी होता है, मैंने बहुत से ट्रकों पे देखा है शीशे झलमिल कर रहे होते हैं। हाँ, ट्रक आर्ट असल में घुंघरू भी लगे होते हैं, घुंघरू भी होते हैं। ट्रक आर्ट जो उनसे है ना सिर्फ पेंटिंग का नाम नहीं है, जो हम हैंड पेंटिंग करते हैं खाली वो ट्रक आर्ट नहीं है। इस पे जो उनसे प्लास्टिक वर्क होता है, स्टील का काम होता है, वो भी ट्रक आर्ट में आता है। फिर शीशे का काम होता है वो भी ट्रक आर्ट में आता है, प्लास्टिक वर्क का काम आता है। शुरू में जब ये ऊंट वगैरह का मतलब के जनूबी पंजाब में, तो कैमल बोन के साथ जो है ना मोटिफ और डिज़ाइन काट के वो एंग्रेविंग के साथ वो वहाँ मतलब के पेस्ट होते थे। वेरी नाइस। अभी तो मतलब वो नहीं हो रहा, हड्डी वाला जो काम है वो अभी नहीं हो रहा, अभी प्लास्टिक में स्टील में तो ज्यादा जो है वो हैंड पेंटेड जो है ना वो हो रहा है। अच्छा, ऊँटों से मुझे याद आया कि ऊँट पे भी बड़ी इस तरह की डिजाइनिंग करते हैं ना। हाँ जी, ठीक है, वो भी इसी में आती है। असल में ये जो ट्रक आर्ट जो शुरू हुआ कहाँ से, मतलब इंस्पायरेशन कहाँ से मिली, जब ये कि 1947 में जब इंडिया से लोग माइग्रेट करके इधर आए, वहाँ से कुछ लोग ऊँटों पे आए, कुछ बैलगाड़ियों पे आए, तो आर्ट तो उस वक्त ही शुरू हो गया था जब पहिया ईजाद हुआ था। तो वो पहिए पे उन्होंने जो है ना कुछ ना कुछ आर्ट वर्क जो है ना वो किया हुआ था। okay. ऊँटों को डेकोरेट वो करते थे। फिर ये कि हमारे जो गाँव है उसके अंदर लोग मट्टी के घरों के अंदर जहाँ कोई घड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, पानी वाली चीज़ है, या वो मिट्टी से उसको लेप करते तो साथ में कुछ एक डिज़ाइन मोटिफ बना देते थे। okay. तो वहाँ से आस्ता आस्ता ऊँट गाड़ियों पे, बैल गाड़ियों पे आया, फिर टांगों पे आया, फिर ये है कि हमारी जो लोकल बसेज हैं उन पे ट्रक आया। nice. तो फिर इसी तरह ट्रकों पे लोगों ने काम करवाना शुरू कर दिया। तो असल में इसका ट्रक आर्ट इसका नाम नहीं है, जो लोकल लैंग्वेज में इसका नाम है फूल पत्ती। फूल पत्ती ट्रक का। अभी कोई ट्रक ओनर अगर आता है ट्रक पेंट करवाने के, वो ये नहीं कहता है कि मेरा आप ये ट्रक आर्ट में इसको पेंट करें, वो कहता है इस पे फूल पत्ती कर दें। अच्छा, नाइस। ट्रक आर्ट इसको अंग्रेजों ने नाम दिया है। ओके। तो ये कि जब हमारे उस्ताद हैं हैदर अली ना, जो वर्ल्ड फेमस हैं ट्रक आर्ट में ना, वो एक यहाँ से ट्रक पेंट करके बेडफोर्ड अमरीका लेकर गए थे, तो वहाँ के म्यूजियम में वो खड़ा हुआ है। यस, बिल्कुल। तो इस काम को यहाँ के लोगों ने इतना मतलब कि एक्नॉलेज नहीं किया जितना ये बाहर से प्रमोट। चले आप इस तरह करें, जल्दी से बनाएं। हाँ, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाएं जरा, और आप जब बना रहे होंगे फिर भी हम आपके पास आएंगे, जरा पूछेंगे हम थोड़े टेक्निकल सवाल किस तरह आप उसको बनाते हैं। आप इस तरह करें, ये माइक जो है वो इनको दे दें, थोड़ी इनसे बात करें। कैनवस पर एक तस्वीर उतर रही है, क्या है वो? अच्छा, मैंने कहा आप अपनी तस्वीर की बात कर रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ कराची से, अली। अली, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम बेटा, आपका प्रोग्राम मैं बड़ी गौर से रोजाना सुबह देखता हूँ। थैंक यू। आई एम अबाउट 68 इयर्स ओल्ड, बट आई वॉच योर प्रोग्राम वेरी केयरफुली। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। जो आप पैगाम रोजाना देते हैं यंग जनरेशन को और लोगों को, दैट इज कमेंडेबल, आई टेल यू, कमेंडेबल। थैंक यू, थैंक यू। एंड सेकेंडली, मैं सिर्फ एक आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि अगर बाकी चैनल्स को भी आप थोड़ा आगाह करें, जब ये न्यूज़ देते हैं चैनल पर,
तो न्यूज़ से पहले वो इतना सेंसेशन क्रिएट करते हैं और इतनी फ्लिकरिंग करते हैं उस फोटोग्राफ्स को कि इट इज बियॉन्ड, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, मैं नहीं देखता, फिर जैसे वो खत्म होता है फिर मैं देखता हूँ. ट्रू दैट, ट्रू ट्रू. इट्स क्रिएटिंग वेरी बैड इफेक्ट ऑन आवर माइंड. सेकेंडली, आपका जो ये टिकर चल रहा होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम नीचे देख ही नहीं सकते कैमरे में. अगर आप टिकर इतना आगे स्क्रीन पे टिकर आ रहा होता है आपका, और वो हम जो चीज आप दिखाना चाह रहे हैं वो पूरी हम व्यू कर ही नहीं सकते. बिल्कुल. अगर थोड़ा सा ये आपका फीडबैक है, और डेफिनेट हर चैनल की अपनी पॉलिसी होती है, अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी के वो सब काम कर रहे हैं. अब 92 की जरा डिफरेंट पॉलिसी है, ब्रेकिंग न्यूज को लेकर, टिकर को लेकर. बहरहाल आपका फीडबैक बहुत बहुत हैवी किस्म का है, और ये चीजें होनी भी चाहिए, और हर तरह का फीडबैक आता है. और माशाल्लाह यू आर 68 इयर्स ओल्ड, और आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप कितना कीनली ऑब्जर्व करके चीजों को देखते हैं, और यकीन जानिए कि आपकी ये कॉल हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि ऑब्वियसली व्यूअर जब देख रहा है, सुन रहा है, तारीफ कर रहा है, उसको सराह रहा है, तो यही हमारी काविशों का हमें सिला है कि हम बेसिकली ये चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस हो. हर चीज सनसनी नहीं होती साहब. डायलॉग yes. आपको याद आ रहे हैं, तो आप okay क्या जी. कर रहे हैं, और अपना नाम बताइएगा, और अपना काम बताइएगा. काम बताइएगा. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ हुसैन है, और मैं भावनगर के एक सिटी है हरुनाबाद, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ. ओके. तो ये मैं असल में मैं चूँकि गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए मुझे लैंडस्केप वहाँ के जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. ओके. ये मैंने काम अपने उस्ताद मोहतरम मलक फयाज साहब से सीखा था. कहाँ? हरुनाबाद में अकेडमी में. अच्छा. वहाँ से और भी स्टूडेंट बहुत से आए हैं, NCA में आए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में आए हैं. अब मज़ीद सीखने के लिए मैं इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में आया हूँ, तो अब चल रहा है काम. ओके. तो अभी क्या बना रहे हैं आप? अभी मैं लैंडस्केप वही बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए वो उसी में इंटरेस्ट जी है. तो मुझे वो ज़ुबानी याद है कि कौन कौन सा कैसे कैसे व्यू है. इसमें विजुलाइज करते हैं आप, और उसको फिर कैनवस पे उतार देते हैं. जी जी. देखने वाला ये कहता है, बहुत आम हम बात करते हैं कि जो तस्वीरें बोलती हैं, और वाकई एक पेंटर जो होता है कैनवस पे एक स्केच जो उतारता है, वाकई उसमें से एक फील आ रही होती है. जी जी. तो ये तस्वीरें बोलती हैं, कैसे बोलती हैं? ये ऐसे है ना कि अब देखें, अगर हम कोई भी है, कोई भी जो आर्ट से ताल्लुक़ रखता है, वो अब ऐसे जो इमेज है वो उसके लिए एक बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं. मतलब अगर मैं गाँव में हूँ ना, तो मुझे वो जो मंजर है एक, वो मुझे पता है कि ये मंजर बड़ा अच्छा मेरे लिए है, एक अगर मैं इसको पेंट करूँ तो ये बड़ा मज़ेदार लगेगा. तो इसीलिए तो आइडिया कैसे आता है आपको कि यही मंजर आपको कैनवस पे उतारना है? क्योंकि ये एक अल्लाह ताला ने ज़मीन पे, जारी बात है, बहुत अच्छे मनाजर बनाए हैं, तो ये इंसान को भी कुछ जो है ना वो फन दिया है कि वो उन मंजर को कैसे देख सकता है, या कैसे उसमें से एक क्रिएट कर सकता है, एक इमेज कैसे क्रिएट कर सकता है. तो अच्छा, ये वैसे बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने. वाकई ये एक फन है जो इन्होंने देखा, वो कोई और नहीं देख रहा जिस नज़र से ये देख. लेकिन जब ये कैनवस पे उतारते हैं तो हर शख्स उसको उसी नज़र से देख रहा है जिस नज़र से इन्होंने सोच के बनाया. बड़ी बड़ी खूबसूरत. अच्छा, एक और मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि समटाइम जब कोई ऐसे उदास सी पेंटिंग या उदास सा मंजर जो आप बनाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट ये आता है कि अच्छा, ये जो पेंटर है जिसने ये पेंटिंग बनाई है, वो बड़ा उदास सा होगा, उसके जहन में हर वक्त उदासी झलकती है, इसलिए वो हर मंजर को उदास कर देता है, तो क्या ऐसा है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है. मूड के हिसाब से पेंटिंग बनती है. अगर मेरा खुशगवार अगर मूड है, तो मैं, जारी बात है, मेरे कलर बोलेंगे इस पे, तो मैं वो कलर, अच्छे कलर लगाऊंगा. ठीक है, अगर कुछ ऐसे है, मेरा सीन ये है कि मुझे उदासी है, तो मैं पेंटिंग कुछ ऐसे बनाऊंगा कि मुझे वो मूड को फीलिंग्स आए. जी, वो फीलिंग है, वो देखने वाला बता सके कि इसका मूड कैसा है. ओके. एक कॉलर है, बात करेंगे जी. यस, तारिक है लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम तारिक, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम. एक तो आपका बड़ा अच्छा है ये आज का प्रोग्राम, और इस पर आर्ट के हवाले से आप बात कर रहे हैं. थैंक यू बॉस. इस हवाले से ये बड़ा अच्छा आप कॉन्सेप्ट लेके हैं. तो आर्ट के हवाले से बात करो, आर्ट तो मुख्तलिफ शोबे में, जो पाकिस्तान के अंदर जो आर्टिस्ट होते हैं, चाहे शोबे से हो, मैं बेसिकली वन मैन शो आर्टिस्ट तारिक जैक्सन बात कर रहा हूँ. मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड वन मैन शो आर्टिस्ट हूँ, और पूरी दुनिया में मेरा नाम है. लेकिन हमारे यहाँ जो फनकार किसी भी शोबे के जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी वाले हैं,
ان کو کوئی پراپر نہ کوئی کمپنی جاب دیتی ہے یا کچھ بھی فیوچر ان کے لیے کام کریں گے تو کھائیں گے. تو اس کے لیے ایسے لوگ جو اس لیول پہ پہنچ جائیں جو ورلڈ لیول پہ, تو ان کو کوئی سرپرستی نہیں ہے. یہ عجیب نظام ہے کہ آرٹسٹ کو اتنا فریش ہونا چاہیے کہ اس کو بیسک اس کی مطلب جیسے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ان کو اعزازی جاب کریں, یہ پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں جیسے یہ بھی جب کارڈ کام کر رہے ہیں تو پراپرلی ان کو سپورٹ کیوں نہیں ہوتی, یہ ایسے ادارے کیوں نہیں ایسے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. بالکل بالکل طارق صاحب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے, اور آپ کے کام کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے, اور یقیناً آپ کی کال بھی بہت معنی رکھتی ہے کہ بہت اچھا آپ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے. آپ لوگوں کے لیے بہت سے ایسے انتظامات ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. لیکن کچھ ادارے ہیں ایسے جو آرٹ سے ریلیٹڈ ہیں, جو بہت سراہتے بھی ہیں, ایک سپیس بھی دیتے ہیں, ایک کمفرٹ زون بھی دیتے ہیں, لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, حکومتی سطح پہ کیا ہو رہا ہے یہ ایک سوال ہے. تو مدثر آپ کو کتنا آپ کو سکوپ نظر آ رہا ہے فیوچر میں جو آپ کام کر رہے ہو, اور کتنا مہنگا کام ہے کہ بہت زیادہ آپ کا ایکسپینس ٹائم بہت لگ رہا ہے اور آپ کو اس کا آؤٹ پٹ ویسا نہ ملے؟ بالکل. اور گروتھ وائز پاکستان میں کیا گروتھ ہے اس میں؟ اس فیلڈ میں بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے, پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے. اور پاکستانی جو ان سے اسٹوڈنٹس ہیں ویسے دیکھا جائے بچے جو ان سے, اور وہ جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ ایک فائن آرٹ فیلڈ بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود وہ انجینئر یا ڈاکٹرز وغیرہ اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں. اور اگر جاب کے والے سے دیکھا جائے تو ٹیکسٹائل ڈیزائنرز اور گرافک ڈیزائنرز سب کے لیے جابس ہیں, اور اتنی کیا ہیں کہ آپ چینج پہ چینج کرتے جائیں تو آپ کو ملتی جاتی ہیں. اب دیکھا جائے پینٹرز اور جتنے بھی ڈیزائنرز ہیں فری لانس بھی کام کرتے ہیں, ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں ان پہ کام ملتا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کو جاب نہ ملے. اب پاکستان میں بہت زیادہ جابس ہیں اس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اسکوپ ہے جی, بہت زیادہ اسکوپ ہے اس کا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے واپس. جب ہم تو دو اہم چیزیں ہیں اسی آرٹ سے ریلیٹڈ. نمبر ون کہ اس کے ذریعے علاج بھی کیا جاتا ہے, کلرز تھیراپی ہوتی ہے, پینٹنگز کے ذریعے آپ کے موڈ کو چینج کرنے کی تھیراپیز ہوتی ہیں, اور ایک اور اہم چیز یہ کہ ملینز اور بلینز کی کچھ پکچرز اور اس طرح کی تصویریں پینٹنگز نیلام ہوتی ہیں, ان کی بولی لگتی ہے, اور پاکستان میں آرٹ سے بھرے ہیں یہ بچے, اپنے شوق سے کام کرتے ہیں, تو پاکستان میں رہ کے ان کا سکوپ کیا ہے, تھوڑی اس پہ ڈسکشن کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے گا سب سے پہلے پاکستان. ویلکم بیک سب سویرے پاکستان میں, آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرٹسٹ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن اس وقت جمیل کا اسکیچ تیار ہو رہا ہے اور اس لیے وہ بالکل اسٹیچو بنے ہوئے ہیں. آپ یہ تھوڑا موو نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے؟ اچھا بول سکتا ہوں میں, اوکے, مجھے لگا شاید بولنا بھی نہیں ہے. تو سائمہ یہ جو آپ ایک اس پینسل سے ایک بہت آئیڈیا لیتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں, کیا اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ میئرمنٹ آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آئیز کتنی بڑی ہیں, چھوٹی ہیں, نوز زیادہ ایکوریٹ ہو جاتے ہیں, اگر مطلب میں فیس کے ساتھ بھی بڑی ہوئی ہے. مائک دیجیے گا ان کو, نہیں ہے ان کے پاس, اب بولیے گا مائک میں. ایسے پروپورشن زیادہ ایکوریٹ ہو جاتے ہیں, اگر مطلب مینس کہ میں ان کے فیس کے اکارڈنگ پوری باڈی کو میئر کر رہی ہوں, اگر ایسے نہیں ہوگا تو کچھ چیزیں زیادہ ان پراپر ہو جائیں گی, جیسے ہاتھ بڑے ہو جائیں گے, پاؤں چھوٹے ہو جائیں گے, تو میں فیس کی ہیلپ سے پوری باڈی کو میئر کر رہی ہوں تو ایسے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. اچھا آپ پوری باڈی کا اسکیچ بنا رہے ہیں؟ جی پوری باڈی کا بنا رہے ہیں. اوکے نائس. اور اگر صرف فیس لینا ہو یا ہاف آپ کی باڈی کرنا ہو, اس کی الگ میئرمنٹس ہوتی ہیں؟ اس کی بھی یہی میئرمنٹس ہوتی ہیں, ساری میئرمنٹس فیس کے اکارڈنگ ہی ہوتی ہیں. تو اب اگر خالی فیس بنا رہے ہو تو آپ صرف آئیز سے ریلیٹ ساری میئرمنٹس باقی کرو گے. تو سائمہ اس کا آپ کو شوق ہے؟ یس شوق ہے, بچپن سے ہے. بچپن سے شوق ہے. سب سے اچھا آج تک جو آپ نے اسکیچ بنایا ہو؟ پینٹ میں, میں نے آئل پینٹ میں کیا ہے. آئل پینٹ میں آپ نے؟ اچھا کبھی کسی پولیس والے نے بلا لیا اسکیچ بنوانا,
नहीं वो नहीं अभी तक एक्सपीरियंस हुआ, वो नहीं एक्सपीरियंस हुआ। ओके अच्छा, ये साथ जो बच्ची बना रही है व्हाट अ वेरी इंटरेस्टिंग माइक आप लेंगे, नाम इनका मैं भूल गई, किंजा। किंजा जी, तो अब तक आपने क्या बनाया किंजा, क्या क्या कलर इस्तेमाल किए? अभी मैंने स्काई उसका कंप्लीट किया है और उसमें सनसेट बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली ऑरेंज कलर ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और पेस्टल्स में ही काम कर रही हूँ और अभी कंप्लीट होगा तो। पेस्टल्स क्या हैं? पेस्टल्स ये चौक लाइक होते हैं मटीरियल। ओके, कलरफुल चौक, सॉफ्ट पेस्टल्स, पेपर वाले चौक। हाँ जी, ये शीट पे यूज होते हैं। ओके, तो कितनी कॉस्ट आती है इन सारी चीज़ों पे? डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे ज़्यादा लें तो ज़्यादा लगता है मटेरियल, यानी उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। क्वालिटी बहुत डिफरेंट होती है, क्वालिटी मैटर भी करती है आपके काम पे, अगर आप अच्छी क्वालिटी की यूज़ करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो कभी ऐसी पेंटिंग बनाकर सेल भी की है? की है। किसी को गिफ्ट की है? रिलेटिव्स में की थी और फ्रेंड्स में की हुई है। सेल कभी नहीं की? सेल की है। अच्छा, सेल की है जी। नाइस, तो कितने की सेल की आपने? एक मैंने कैलीग्राफी की थी, वो ऑयल पेंट्स में थी, तो वो मैंने 3000 की थी। अच्छा, गुड। हाँ, और स्केचेस वगैरह करती हूँ, लैंडस्केप्स का मुझे। तो जो अभी आप पेंटिंग कर रही हैं, तो बेसिकली क्या आपके जहन में आइडियाज किस तरह से लेती हैं, या जो उस वक्त आ रहा होता है वो आप कलर्स के जरिए बनाती जाती हैं? हाँ जी, अभी जैसे मुझे ज़्यादातर लैंडस्केप्स पसंद हैं, तो मैं लैंडस्केप सर्च करती रहती हूँ, नेट पर भी देखती हूँ, रियल में भी, लाइफ रियल लाइफ में जब हम जाते हैं कहीं, तो ज़्यादातर फोकस मेरा लैंडस्केप्स पे होता है, तो मुझे कलर्स वो याद हो जाते हैं कि कौन कौन से कलर्स सनसेट में, सनराइज में यूज़ होते हैं और क्लाउडी वेदर में कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो मैं वही अप्लाई करती हूँ। तो आपको लगता है कि फ्यूचर में इसका स्कोप है? हाँ जी, इंशाल्लाह। क्या स्कोप है? स्कोप आप एग्जीबिशंस में आपकी गैलरी में लगती हैं, जब थीसिस में इसी में देना चाहूँगी, तो ऑब्वियसली मैं इसीलिए मैं प्रैक्टिस भी इसी में ज़्यादा करती हूँ, ताकि मैं थीसिस में फाइनल रिजल्ट मेरा अच्छा है, तो अप्रिशिएट भी करते हैं टीचर्स और सेल भी होती हैं आपकी पेंटिंग्स। ओके, नाइस नाइस। तो पाकिस्तान में क्या स्कोप है इसका आपके फ्यूचर को लेकर, लाइक कितनी महंगी तक बिक जाती हैं ये, अर्निंग कितनी हो जाती है? व्यूअर्स के डिपेंड करता है वो किस नज़र से देखते हैं आपकी पेंटिंग्स को, इंटरेस्ट उनका अगर ज़्यादा लैंडस्केप्स में, उनको ज़्यादा जैसे सनराइज में आपको फील आती है, रिलैक्सेशन की आती है, तो वो जिसको वो अट्रैक्ट करेगी फीलिंग, वो आपको वो जो भी आप कीमत बताएंगे वो कर लेगी, परचेज कर लेगी। तो इसकी कोई यहाँ पर स्पेसिफिक मार्केट है जहाँ से ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और फिर आप मटेरियल जैसे एग्जीबिशन मटेरियल भी, और फिर बिकती कहाँ है? बिकती ज़्यादा तो ये गैलरीज में है, जैसे इजाज़ आर्ट गैलरी, अलहमरा आर्ट गैलरी पे भी हमारी लगी है, पेंटिंग्स लगी हैं, वो हमने अपनी यूनिवर्सिटी में की थी, तो उसकी एग्जीबिशन आ रही है रिसेंटली हमारी, और इसी तरह गैलरीज में ही सबसे ज़्यादा लगती हैं, या अगर आपका अपना स्टूडियो है वो तो बहुत आगे जाके आप प्रोफेशनल होते हैं, तो अपना स्टूडियो आप बनाते हैं, उसमें आप करते हैं अपनी पेंटिंग्स लगाते हैं, तो वो फिर ज़्यादा। कितनी पेंटिंग्स अभी तक आपकी बिक चुकी हैं? मेरी 4-5 बिकी हैं, क्योंकि हमारा असाइनमेंट्स भी होती है यूनिवर्सिटी के, तो अभी इतना टाइम नहीं मिलता कि हम सेपरेट काम करें। लेकिन आप होपफुल हैं कि भाई इसका फ्यूचर है, मैं जो काम कर रही हूँ, जो मैं आर्ट जी, मतलब एक आर्ट वर्क कर रही हूँ, तो इसका अच्छा आउटपुट मिलेगा। ठीक, तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा इनके साथ कि लाइक बहुत मेहनत से कोई एक चीज़ बनाई होगी लेकिन वो बिकी नहीं होगी? बिल्कुल, ऐसे भी होता है। और असाइनमेंट्स में हमारा, हमने अपना किया होता है आइडिया वगैरह, वो टीचर को नहीं पसंद आता, लेकिन फिर हम करते हैं, मैनेज करना पड़ता है फिर। इसका मतलब है कि बाहर की नज़र और एक टीचर की नज़र में बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंस होता है। वो अपने लेवल से देख रहे होते हैं, हम अपने लेवल से, उनको तो वो प्रोफेशनल है, तो वो फिर हमें मिस्टेक्स बताते हैं, कभी कभार आइडियाज़ भी फ्लॉप हो जाता है हमारा। तो ये जो कलर्स की खुशबू है एक ख़ास किस्म की, तो इससे एलर्जी नहीं होती? इससे हम ये अट्रैक्ट करते हैं हमें, होती है या फिर यूज्ड टू हो जाते हैं? ये मज़े की लगती है हमें। अच्छा, गुड। एक कॉलर है हमारे साथ, हीना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हीना, कैसी हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? मैं वही देख रहा हूँ, ठीक है। हेलो जी हीना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। मैंने पूछना था कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग का स्कोप क्या है आगे? स्कोप पूछना चाह रही हैं आप स्पेसिफिकली टेक्सटाइल का? जी जी, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, मजीद भी कर लेंगे। और कुछ कहना चाहेंगी?
ओके हिना ठीक है, मुदस्सिर से पूछते हैं। ब्रांड्स आपको एज अ डिज़ाइन ऑर्डर रखते हैं वहाँ पे, ठीक है, उसमें आपको अलग अलग भी टेक्निक्स हैं, कई मैनुअल पे काम करते हैं, कई उसके बाद फोटोशॉप पे काम करते हैं, ठीक है, अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक। उसके बाद आप अपना फ्रीलांस भी कर सकते हैं। स्कोप क्या है वो बच्चे जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो वो डिसअपॉइंट तो ना हो लाइक आने वाले दिनों में? मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर्स के बाद अगर देखा जाए ना, टेक्सटाइल का स्कोप है। अच्छा, जितनी तेजी से ये एक्सपैंड हो रहा है ना। हाँ, आप अगर स्टार्टिंग में देखें इतनी इंजीनियर को पे नहीं मिलती जितनी टेक्सटाइल डिजाइनर को मिलती है। कितने पे मिल जाती है? स्टार्टिंग 45-50,000। नाइस, और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है वो आप पे, जितना काम आपका अच्छा है उसके बाद 1 लाख 2 लाख 3 लाख। अच्छा, स्टेजेस क्या होती हैं? आप लेट सपोज कि आप जिस तरह स्टूडेंट हैं, टेक्सटाइल डिजाइनर हैं आप, तो 40-50,000 पे एक जॉब स्टार्ट हुई, जी जी, तो जॉब एंड मतलब मैक्सिमम किस पोजीशन तक एक जा सकते हैं? कई डिजाइनर 5 लाख भी पे करते हैं आपको। सिर्फ डिजाइनर को ही, या वो किसी एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ डिजाइनर को। एक्सपीरियंस के आना कि आप अगर एक साल का एक्सपीरियंस है उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस ज्यादा होता जाएगा आपको उतनी पे ज्यादा मिलती जाएगी। और उतना काम भी ज्यादा करना पड़ेगा? नहीं नहीं, उतना काम फिर आप ये होता है कि मैनेज कर रहे होते हैं सब डिजाइनर्स को। अच्छा, फिर उसके बाद आप देख रहे होते हैं कि कौन काम आपने करवाना होता है काम। तो मुख्तलिफ पेंटर्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो एक ज़हनी सुकून के लिए पेंटिंग करते हैं, ना कि इसको आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। तो टेक्सटाइल में भी क्या ऐसा होता है कि बहुत से लोग अपने ज़हनी सुकून के लिए पेंटिंग कर टेक्सटाइल डिज़ाइन बनाएं? डिफरेंट टेक्सटाइल में भी है, लोग घरों में काम कर रहे हैं, जो जॉब्स नहीं कर सकते घर में डिज़ाइन करके उसके बाद फ्रीलांस काम कर रहे हैं। बाकी जैसे कि आप देख लें कि अंदरून में या गांव में लोग क्रोशिया निटिंग वगैरह स्वेटर्स वगैरह बनाती हैं, जो उनसी बूढ़ी औरतें होती हैं, वो ये टेक्सटाइल का ही काम है सारा। नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। तो इनाम इलाही साहब, ये घरों का जो बाहर आउटर लुक जो होती है, हाँ, उस पर भी ये डिज़ाइन बनवा सकते हैं? हाँ जी, आजकल असल में ना ट्रकों पर इतना ये आर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल आपको पता है मीडिया डिजिटाइज हो गया है, तो थ्रू कंप्यूटर जो उनसे है ना वो सारा काम ये टेप के ऊपर कटिंग हो जाती है, वो पेस्ट हो जाता है, तो ये जो हैंडमेड काम है ये ट्रकों पे आप खत्म होता जा रहा है। अच्छा, जहाँ पहले एक शहर में 20 वर्कशॉपें थी पिंडी में, अब वहाँ सिर्फ आपको 2 मिलेंगी। लाहौर में स्पेसिफिक ट्रक आर्ट की कोई वर्कशॉप नहीं है जहाँ पूरा ट्रक पेंट होता हो। तो क्या ये ट्रेंड है कि घर का गेट या घर का बाहर वाली जो दीवारें हैं? अब ये कि ट्रक आर्ट को या मतलब कि ये बाहर से प्रमोट होके आया तो फॉरनर ने इसको एक्नॉलेज किया है, तो अब ये कि लोग इसको इंटीरियर में करवा रहे हैं, अपने घरों के अंदर करवा रहे हैं, बाहर करवा रहे हैं, मेन गेट के ऊपर करवा रहे हैं, फिर ये कि इसको फैशन इंडस्ट्री ने अडॉप्ट कर लिया है। अब ये कि जितनी भी लेडीज़ मतलब कि वीरिंग एक्सेसरीज हैं, जूते हो गए, खुस्से हो गए, खेड़ीज हो गई लेडीज, उनके ऊपर ट्रक आर्ट हो रहा है। तो वो भी यही कहते हैं कि फूल पत्ती बना दो इसको? नहीं, वो ट्रक आर्ट ही कहते हैं। अच्छा, वो ट्रक आर्ट ही कहते हैं। लेडीज बैग्स के ऊपर हो रहा है, फिर ये कि फर्नीचर के ऊपर ट्रक आर्ट हो रहा है। Okay. यानी कि आप ट्रकों पे इतना काम नहीं हो रहा जितना कि ये फैशन इंडस्ट्री में ना दूसरी फील्ड में काम बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके ओके, तो इसकी क्या डिमांड क्या है, और जितना एक्सपेंस होता है, जितना खर्चा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उतना नफा भी है इस काम में? मतलब कि ट्रक पे पेंटिंग करने का जो उनसे ना जो ट्रक ओनर है वो तो एक ट्रक के ऊपर 7-8 लाख रुपया डेकोर पे खर्च करते हैं। अच्छा, जिसमें मतलब के ये वाला हैंडमेड मतलब के पेंटिंग है, स्टील का काम है, प्लास्टिक काम है, ओवरऑल जो डेकोर का है। ओके, लेकिन फैशन इंडस्ट्री में जो उनसे है ना वो लोग मतलब इस पर खर्च करते हैं। सही सही, खर्च करते हैं और काम मतलब के बहुत ज्यादा हो रहा है। सही सही, ठीक है, आप बनाएं, बड़ा अच्छा हमें लग रहा है आपका ये कलर कॉम्बिनेशन भी जो है वो अच्छा लग रहा है। ये शाइक पता नहीं क्या बना रहा है, डब्बे डब्बे से ये क्या बन रहा है? ये डिजाइन बन रहा है, डिजाइन बन रहा है, कंप्लीट होके आपको नजर आएगा डिजाइन बन रहा है। ये क्या सोच के बना रहा है? ये मैं इमेजिनरी सोच के बना रहा हूँ, ये टेक्सचर वगैरह दे रहा हूँ, एयर ब्रश टेक्निक यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर, और ये डिजाइन बनेगा इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। ये क्या, इसका नाम क्या है इस डिजाइन? पॉप आर्ट। क्या? पॉप आर्ट। पॉप आर्ट। अच्छा, ये पॉप आर्ट में जो ये शॉकिंग कलर, जो शॉकिंग कलर होते हैं उस शॉकिंग कलर को मैं दिखाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, इसको इसका मकसद सिर्फ कलर शो करना है? कलर शो करना है, इसका कोई और थीम नहीं है? उनके और भी थीम है, जो भी मतलब वो वाओ और रे, ये मतलब एक्सप्रेशन भी शो करते हैं। तो ये जब पेंटिंग्स हम देखेंगे तो हमें क्या फील आएगी? ये एज अ डिजाइन बनेगा, ये पेंटिंग नहीं, एज अ डिजाइन भी बनेगा। हाँ, तो इस डिजाइन को देखकर हमें क्या लगेगा, क्या है ये फील, क्या आएगी? फील ये आएगा मतलब वियरेबल डिजाइन, आप लोगों को लग रहा है कि मैं इसको पहन लूं, अच्छा लगेगा।
ओके ओके तो इनका अभी जो लैंडस्केप बना रहे हैं गांव का एक माशाल्लाह ये तो बहुत हद तक कंप्लीट भी कर चुके हैं अभी मैं देख रहा था तो नाम भूल गया मैं गांव का एक मंजर बना रहे हैं नाम है आसिफ यस आसिफ कहां तक पहुंचे हैं कहां तक पहुंचे हैं माइक आसिफ को दे दे ओह यस माइक दे दे रास्ते में है या पहुंच गए और आप हमें ये बताएं जब हम आपकी पेंटिंग देखेंगे तो हमें क्या फील आएगी इससे ऐसे फील आएगी जैसे आप एक गांव में खड़े हैं अच्छा तो सामने एक बड़ा मजेदार सा व्यू तो क्या बड़ा अच्छा लगेगा फील क्या है इसमें क्या क्या ये देखें अब हम देख रहे हैं आपकी पेंटिंग दरख्त को आपने बड़ा फोकस किया जी जी और एक एक, एक आपने सड़क बनाई है yes. जी जी सड़क है ये पग डंडियां होती है ना जो गांव में हाँ. तो मैं वो बना रहा हूं वैसे बहुत खूबसूरत आपने ये जो अब ये कंप्लीट हो गया अभी नहीं अभी मैंने अभी आधा हुआ आधा भी नहीं हुआ अच्छा डिटेलिंग चेक की है उसमें मैं वो कितनी ज्यादा मतलब लाइक हर चीज बड़ी वाज़े आसमान खेत दरख्त वो पीछे थोड़ी आबादी और वो पगडंडी के साथ का रास्ता दरख्त के नीचे ये आपने पानी 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 बनाया नहीं अभी मैं ग्रीनरी दिखाऊंगा और थोड़ी सी मिट्टी जो होती है ओके ठीक है आप कंप्लीट करें इसे जल्दी जल्दी बनाए आप ओके मैं उधर देख रहा हूँ तुम तो ये जो स्केच साइमा कितनी देर में बन जाएगा अच्छा जी आधे घंटे तक तो बस शो के अंदर अंदर ही बना लीजिएगा ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखा सकेंगे कि साइमा ने बहुत अच्छा स्केच यकीनन अच्छा ही स्केच होगा जमील का जो बनाया होगा तो मुदस्सिर बहुत सारे ऐसे सवालात आते हैं और ख़ास तौर पर इस फन को लेकर बहुत से पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं कि वो अपने बच्चों को इस फील्ड में ले जाएं या ना ले जाएं क्योंकि बाहर लग रहा होता है कि बड़ी जल्दी इससे अर्निंग नहीं होगी क्योंकि अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं तो वो एक टेक्निकल आपकी फील्ड है करने वाला काम करो की ब्रशेस फड़ के बैठे हो अभी जो आपकी क्लास में उससे अंदाजा होता है ना कितनी तादाद है आपके स्टूडेंट्स की तो क्या ये ट्रेंड है या बढ़ रहा है या कम है नहीं ये पहले कम था अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ठीक है अब तो इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा होते जा रहे हैं उसके बाद काम लोग करते जा रहे हैं उसके बाद फील्ड बाहर लोग काम कर रहे हैं तो अब यही है कि ऐसा ऐसा लोगों को अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को कहना चाहिए इजाज़त देनी चाहिए कि वो इस फील्ड में जाएँ डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या ये इसके अलावा भी ये फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है पर उन लोगों को नहीं पता ठीक है वो ये कहते हैं वो पंजाबी में हमें कहते थे कि वेलियां दी फील्ड है तो इसलिए फिर मैं यही कहूँगा कि उन लोगों को बताया जाए कि ये सब सारा ये बहुत अच्छा स्कोप है इसका आगे ठीक है ये नहीं कि आप मायूस होंगे अच्छा ऐसा क्यों है कि जो आर्टिस्ट बच्चे होते हैं अपनी दाढ़ी बाल छोड़े हुए उन्होंने कोई होश ही नहीं होता उनको शक्ल से लग रहा होता है आर्टिस्ट है इसके पीछे भी कोई एक कोई आर्ट होता है वैसे ये एक वो जब हम इस फील्ड में आते हैं ठीक है बियर्ड वगैरह मेरा जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था मेरे लंबे बाल थे तो फिर मैं सेकंड ईयर में तो इसके पीछे रीजन क्या है अपने आप को छुपाना चाहते हैं या पहले ये कहते हैं कि भाई आर्टिस्ट लगना है तो पहले ये बाल छाल दाढ़ी शाड़ी छोड़नी पड़ेगी पहले शक्ल सही बनानी है उसके मुताबिक फिर काम करना है ऐसे नहीं वैसे ये एक जैसे देखा जाए कि आर्टिस्ट की एक अपना अंदाज होता है तो वो चीज़ को शो करने के लिए हम अगर एक इंटरेस्ट भी होता है उसके बाद अगर आप देख लें हॉलीवुड या ऐसे फील्ड में आर्टिस्ट पहले ऐसे ही उजड़ा हुआ उनसे मुतासिर होकर भी आप वैसे गेटअप देते हैं ये ट्रक आर्ट इस वक्त देखें इसकी ये जी मेरे ख्याल में तोता बना रहे हैं आप हाँ ये तोता बना क्या वाह पिंक तोता पिंक किस इलाके का ये इधर पाकिस्तान का तोता है ये पाकिस्तान का तोता पिंक पी और पाकिस्तान पी चलें उड़ेगा तो नहीं ये उड़ेगा तो नहीं पाकिस्तान के तोते उड़ जाते हैं ना नहीं ये फिर पाकिस्तान के अंदर ही फ्लाई करेंगे अक्सर पाकिस्तान के जो है ना वो तो कुछ वज़रा के भी तोते उड़ जाते हैं जब तल्क सवालों का सामना करना पड़ता है लेकिन देखिए कितना खूबसूरत आर्ट है और ये जो स्टूडेंट्स हैं और डेफिनेटली ये अभी से इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो जब ये ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएंगे और इनका काम मजीद काम में बेहतरी आएगी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जैसे कि कॉलर भी हमें कह रहे थे कि हुकूमती सतह पर भी इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए कि प्राइवेट काम करने की बजाय अगर ये नीम सरकारी जिसे कहते हैं yes. वो काम कर लें तो इनका बहुत अच्छी जो अर्निंग है क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे होते हैं तो आपको उसका आउटपुट भी चाहिए बिल्कुल 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 और मेरा ख्याल ये है कि ये आर्ट ना सिर्फ कैनवस पे पेंटिंग्स की सूरत में और कपड़ों पे बिल्कुल जिस तरह से घरों में मतलब एवरीवेयर आपकी सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ डिज़ाइन है हमारे पीछे भी जो आप एक व्यू देख रहे हैं
बिल्कुल, ये भी डिजाइन है, ये भी एक लाइक आप आपकी फीलिंग्स इसको देख के बड़ी अच्छी रिफ्रेशिंग। अब तो हम देखा जाए कि जैसे टेक्सटाइल डिज़ाइन है या फैब्रिक है, उसमें हर चीज़ को हर थीम मिलती है हमें काम करने के लिए। उसमें ट्रक आर्ट भी होता है, पॉप आर्ट भी होता है, उसमें अच्छा, इंडियन मोटिव भी। जी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अचानक से मेरे जहन में एक सवाल आया कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिज़ाइनर्स को ठीक है अच्छा पे करते हैं, ये तो एक बड़ा हमने रहनुमाई कर दी उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ये बताएं कि खर्चा क्या आ रहा होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक प्रिंट पे, एक सूट के, या फिर एक पूरे थान या कपड़े वाले होते हैं? आपके सवाल का मतलब अगर तो उनका कितना खर्चा आ रहा होता है? वो मेरे ख्याल से जो सब पर मीटर होता है ना, वो 120 या 140 रुपीज़ लेते हैं। उसके बाद फैब्रिक जो सा होता है ना, वो बनवाते हैं वो, ठीक है। अच्छा। अब उसमें आपको 200 मीटर्स का भी पड़ता है, ठीक है। एक सूट अगर आपको मिलता है ना, मेरे ख्याल से 1000 या 1200 का पड़ता है एक। अच्छा, जो 3000 का मिलता है वो ये आप एक बहुत बड़ा राज फाश कर दिया है। सहर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuhu. Seher, kaisi hain aap? Theek hain, khairiyat se hain? Main bilkul theek hoon alhamdulillah. Aur aap dono mujhe itne pyare lagte hain, itne pyare lagte hain. Mashallah mashallah mashallah, aap dono ki jodi Allah salamat rakhe. Ameen 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 summa ameen. Ek baat bataye, aap dono cousins hain? नहीं, हम दोनों कजिन्स हैं। हम दोनों जो है ना, एक दूसरे को इतना देखते हैं, इतना देखते हैं, इतना देखते हैं कि हम एक दूसरे की तरह लगना शुरू हो गए हैं। सहर, हमें बहुत से लोग कहते हैं, हमें बहुत से लोग कहते हैं, अक्सर हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो लोग जो हैं वो हमें ये नहीं कहते जोड़ी सलामत रहे, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं की दुआ दें की दुआ। तो एक बात हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि वो आप लगते भी है ना। ओके, आपको शो कैसा लगता है सहर? मुझे आपका शो इतना प्यारा लगता है कि मैं जब जब रिपीट होता है तब तब देखती हूँ। अरे वाह, सबसे अच्छा क्या लगता है शो में? सिर्फ रिपीट में देखती हूँ आपकी मिसेज। अच्छा, ओके, मतलब हम जो बातें कर रहे होते हैं वो आपके काम की नहीं है? है ना, उनका तो क्या कहना। और मैं अपने हस्बैंड को भी ये शो दिखाती हूँ और मैं अक्सर उन्हें कहती हूँ, बताए ना ये मियाँ बीवी नहीं ना लगते, दोस्त लगते हैं, कजन लगते हैं। नहीं नहीं, हम मियाँ बीवी हैं। और सर करती क्या आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। ओके, बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरे दो बेटे हैं और एक बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ऐसे ही हमें दुआएं देती रहे, हमारा शो देखती रहे, अच्छा फीडबैक दें, हमारे टॉपिक्स कैसे लगते हैं आपको, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें कि इस टॉपिक पर भी बात होनी चाहिए वो भी आप हमें बताती रहें, सजेशन दे रहा करें तो हम जरूर शामिल करेंगे। एंड थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। तो अब ट्रक कार्ड पे आ जाते हैं। अच्छा जी, ये देखें तोते का मुंह बन रहा है। अरे वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे मुझे लग रहा है आपको भी लग रहा है। ये आपने साथ पिक्चर भी रखी हुई है? हाँ, उसको देख के बना रहे हैं। हाँ। ओके, अच्छा वो छोटी सी पिक्चर और कितना बड़ा उसको ज़ूम इन स्केच बना रहे हैं। इसमें भी एक ही फैमिली के कई कलर्स हैं, देखें, पिंक, डार्क पिंक, रेड, डार्क रेड, लाइट रेड। ये अभी कंप्लीट हो गया। अच्छा इनाम साहब, ये कितना खर्चा आ जाता है आपका किसी एक पेंटिंग्स को बना, लाइक किसी भी, लेट्स सपोज आप ये तोता ही ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें सिर्फ पेंट्स का खर्चा ही है। कितना खर्चा है वो? पेंट्स के तो इतने मतलब के कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आम ही जो ये हम दरवाज़ों पे, घरों में, खिड़कियों में करते हैं पेंट, वही पेंट यूज़ होते हैं। अच्छा। कुछ इसमें फ्लोरसेंट कलर पाउडर फॉर्म में होते हैं, जो शॉकिंग कलर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये फ्लोरसेंट कलर है। ओके, तो ये सिर्फ ट्रक आर्ट में यूज़ होते हैं, ताकि जब ट्रक ये रोड पर जब मूव कर रहा होता है तो लोगों को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करते हैं कलर ना, शॉकिंग कलर। तो ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, बाकी ऑयल पेंट्स ही हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ओके, ये शाइक ये क्या कर रहे हो? ये क्या आप है यूं पेंटिंग उस पे बिल्कुल? आप जरा अपना स्केच देखें क्या बना है क्या नहीं। ये कंप्लीट हो चुका है? अभी कंप्लीट नहीं हुआ जी, ये देखें जरा इसको, इसको थोड़ा उठाएं यहां से, क्योंकि हमारा शो का वक्त कंप्लीट होने जा रहा है। ओके, ये देखें। अच्छा, अब आप लोग ये बताएं कि ये देख के आपको क्या फीलिंग? ये तो ऐसे तो नहीं लग रहा, पता नहीं पेंट शेंट गिर गया बहुत ज्यादा किसी उस पे। बहुत खूबसूरत। और वाह, कॉम्बिनेशन चेक करें ना आप इसको, बहुत खूबसूरत लग रहा है। स्ट्रेट पे आर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट आर्ट। ये माइक दें जरा,
अच्छा ये हमारा माइक थोड़ा सा इन्होंने ये करवा ही ना वैसे पेंट ये वाले हिस्से को ट्रक कार्ड कर दे इसको ये आर्ट भी कहते हैं जो समझ में नहीं आए उस नाम क्या होता है उसका एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एब्स्ट्रैक्ट जी हां एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है जी लेकिन बहुत खूबसूरत काम शाइक का और इसमें कलर्स की जो अच्छा दिखाया है इन्होंने ये दिखाएंगे आप मुझे जरा कैम में इसको दिखाते हैं अरे वाह वेरी नाइस ये एक मिनट ये देखें जी क्या बात है खूबसूरत वेरी नाइस वेरी नाइस कितने कलर्स यूज किए हैं इसमें आपने इसमें मैंने टोटल मेरे पास 24 है मगर मैंने 5 टू 6 कलर्स यूज किए ओके खूबसूरत ये आपने फील बहुत अच्छी दी आपने ये वाटरी इफेक्ट है मुझे सनसेट का ओके अच्छा जी मैं जरा अपना स्काई देख मेरे बालों पे सबसे ज्यादा फोकस है अरे वाह ओके जी ये जरा क्लोज करके दिखाएं जमील का ये स्केच ये देखिए वाह जी अच्छा जिस तरह आप जिस पोज में बैठे थे उसी तरह से उन्होंने इसको ड्रॉ किया वाह जी थोड़ा जूम करें बहुत खूबसूरत वेरी नाइस वेरी नाइस इसको फ्रेम करवा के रख लेते हैं सेट पे क्या बात है जी अच्छा अब उधर तो मैंने दिखाया मैं जरा खुद देख लूं मेरा अरे वाह वेरी नाइस माशाल्लाह वेरी नाइस वेरी नाइस आप इसको कंप्लीट करें अच्छा जी पखडंडी बन चुकी है और खेत कौन सा है ये वाला कौन सा खेत है ये गंदम का खेत ये गंदम का है ये सरसों का है आना देखा मुझे पता चल गया ये देखें येलो येलो ओके जी थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आप लोगों का और माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों का आर्ट अल्लाह ताला आप लोगों को और इसी तरह बहुत सी सलाहियतें दे और आप लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़